नमस्कार सबको, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महर्षि अरविंद घोष का जन्मदिन भी है और मुझे लगता है कि आज अरविंद को याद करना चाहिए। भारत खाली एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और उस राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। मैं धारा ठक्कर जी को कहूंगा, वे आज की कार्यशाला तितलियों पर आए और तितलियों की बात शुरू करें। धारा ठक्कर जी, सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है। और हम आज ये तीसरा दिन है और मुझे खुशी है लोगों को देखकर कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, पसंद आ रहा है और लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो आज के दिन हम जानेंगे बहुत कुछ कि आप अपना गार्डन कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो आज भी ढेर सारी चीजें हैं सीखने के लिए, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं इसको। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी, देख पा रहे हैं। देख पा। ओके ओके। सो आज हमारे ये सत्र का तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जैसे आपने सुबह ही विश किया कि आज 15 अगस्त है और आजादी का दिन है। तो मैं कहूंगी कि हमें वो हमारे क्रांतिकारियों ने तो आजादी दिला दी बहुत मेहनत करके, बट मुझे लगता है कि हमें वो आजादी का हम जो पूरा न्याय नहीं कर पा रहे हैं, हमें और बहुत सी चीजों की चीजों से आजादी चाहिए। जैसे केमिकल हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो ये अभी नई जीवन शैली है, मैं कहूंगी कि हमें इसमें बदलाव लाके जो हमारा पुराना तरीका था बैक टू बेसिक्स उसकी तरफ अब मुड़ने का वक्त आ गया है। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस दिन के लिए और हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप कोई भी सवाल का जवाब या सवाल पूछना चाहते हैं या कोई जवाब देना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स का जरूर यूज कीजिए उसमें। और जैसे आज 15 अगस्त है तो सभी को पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, राष्ट्रीय पेड़ क्या है, राष्ट्रीय जानवर क्या है। तो किसी को अंदाजा है कि हमारी राष्ट्रीय तितली भी है? किसी को आइडिया है इसके बारे में? भारत की राष्ट्रीय तितली का नाम क्या है? आप कोई बता सकता है कि ये कॉन्सेप्ट भी है इंडिया में? कोई बताएगा इसके बारे में? किसी को आइडिया है कि चलो राष्ट्रीय फूल तो पता था हमें, जानवर पता है, पेड़ पता है, तो ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। तितली तो हम पहली बार सुन रहे हैं जी। यस तो हमारे भारत में अभी मुझे लगता है लास्ट ईयर ही ये किताब दिया गया है और इसका थ्रू आउट द इंडिया सर्वे हुआ था, तो उसमें 5 तरह की तितलियों का वोटिंग किया गया था और ये जनता ने ही सिलेक्ट की हुई ये तितली है, राष्ट्रीय तितली जो हमारी भारत की है। तो उसके लिए वोटिंग हुआ था, सर्वे हुआ था और फिर बाद में जाकर भारतीय डिपार्टमेंट ने उसको राष्ट्रीय तितली घोषित किया था। तो ये मेरी पर्सनली प्रिय तितली है और मैंने इसी को वोट किया था। तो इसका नाम है ऑरेंज ओक लीफ बटरफ्लाई। ये हमारी भारत की राष्ट्रीय तितली है। तो मुझे लगता है कि विश्व भर में भारत मुझे लगता है पहला देश है जो उसकी राष्ट्रीय तितली भी है।
और आपको जान के हैरानी होगी, जैसे हर स्टेट का एक स्टेट ट्री होता है, स्टेट फ्लावर होता है, उसी तरह भारत में मुझे लगता है महाराष्ट्र सबसे पहला एक स्टेट है जिसकी अपनी एक पर्सनल स्टेट बटरफ्लाई है। तो जो ब्लू मॉर्मन का एक बटरफ्लाई होता है, बहुत सुंदर होता है, बड़ा सा होता है, वो स्टेट बटरफ्लाई ऑफ महाराष्ट्र है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारी राष्ट्रीय तितली है। तो मैं चाहूंगी सभी को कि अपने बच्चों को बताइएगा जरूर कि ये राष्ट्रीय तितली है। और इसकी खासियत मैं आपको बताती हूँ, आप आगे देखेंगे तो ये देखिए, ये इतना सुंदर बटरफ्लाई है। आप देखेंगे इसकी साइज एक हाथ के बराबर होती है, और ये कैमोफ्लाज इसका इतना ब्यूटीफुल कैमोफ्लाज है, एक ये सूखे पत्ते की तरह दिखाई देता है। अगर वो पत्तों सूखे पत्ते की ढेर में पड़ा होगा उसको बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना। आप ये देख सकते हैं उसकी रचना देखिए, कि ये देखिए लीफ में जैसे पैटर्न होता है बीच में, बिल्कुल वो वेनेशियन देखिए उसने इवॉल्व किया है विद टाइम। और लीफ में देखिए नीचे ये टेल होता है, उसकी डंटल होती है, देखिए वो भी वो डेवलप किया हुआ है। और एक अमेजिंग बात कि सूखे पत्ते में आप देखते हैं कि कहीं कहीं होल पड़ जाते हैं, जाले हो जाते हैं, तो ये देखिए विद टाइम उसने ये भी इवॉल्व कर लिया है। तो ये बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह दिखाई देता है। इसके पीछे कारण क्या है? शिकारियों से बचना। तो ये बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है कैमोफ्लाज का। और आप देख सकते हैं कि इसके रंग बहुत प्यारे हैं, देखिए ये सूखे पत्ते में पड़ा है, बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि ये तितली है। अगर आप जंगल में जाते हैं तो आपकी जब आप गौर से देखेंगे तब आप उसको देख पाएंगे, अदरवाइज आपको लगेगा आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें रंग आप जैसे हमारे ध्वज के रंग है केसरी है, इसलिए उसमें केसरी है, नीला रंग है, इसलिए उसको भारतीय तितली नेशनल बटरफ्लाई का खिताब भी मिला है। और लोगों की भारी मात्रा में इसको वोटिंग मिली थी तो इसको डिक्लेयर किया गया। तो अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आएंगे कि बटरफ्लाई गार्डन, ये सारी मेहनत हो रही है कि हम अपना बटरफ्लाई गार्डन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि लोगों का सोच कहाँ तक है कि आप बटरफ्लाई गार्डन कहाँ कहाँ इमेजिन कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ ये बटरफ्लाई गार्डन बना सकते हैं। नंबर वन, आप शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं कि छोटे से एरिया में भी आप इसको बना सकते हैं। एक मिनट, इसको नीचे कर दीजिए ना, मुझे वो डिस्टर्बेंस होता है ये वाला हिस्सा। तो हाँ, तो छोटे से एरिया में भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, जितनी आपकी स्पेस हो उतने में। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, हम आगे बात करेंगे कि क्या और क्या पॉइंट्स उसके लिए जरूरी होता है। दूसरा, अगर आप छत पर सब्जियां उगा रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, किचन गार्डन आपका है, थोड़ी सी स्पेस है, तो उसमें भी आप जरूर बटरफ्लाई गार्डन अपना एक सेटअप कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग इसको आप ये तो चलो पर्सनल लेवल पे हो गया, एक इंडिविजुअल लेवल पे हो गया कि ऐसे किया जाए, बट आप इसको बड़े लेवल पे देखिए, यूज लेवल पे, मास लेवल पे देखिए, तो इसको स्कूल्स में बनाया जा सकता है। और हमने दो गार्डन स्कूल्स में बनाए हैं, तो ये बच्चों, और इसमें स्कूल में बनाने में फायदा क्या होता है, हम इसमें बच्चों को ही इन्वॉल्व करते हैं, तो बच्चा अपने आप सीखता है और वो प्रोग्रेस देखता है अपनी आंखों से कि हमने पौधे पहले तो बेड रेडी किया, फिर उसमें पौधे लगाए, तो पौधे की ग्रोथ हो रही है, फिर कौन से पौधे लगाए, पौधों का सिलेक्शन कैसे किया जाए, फिर उसमें तितलियां आ रही है, अच्छा तितलियां आ रही है तो अब उसको रेयरिंग कैसे करना है, तो सारा प्रोसेस हम बच्चों से ही करवाते हैं, तो वो अपने आप करते करते वो उनकी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया, इंटर्नशिप हो जाती है उनकी एक। और हम कहाँ कर सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में, जैसे आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो
दर्द का माहौल है, सफरिंग है, पेन है, पीड़ा है, तो पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा बेटर फील करवाने के लिए तितलियों को अगर आप पाक बनाते हैं तो वो उसका थोड़ा सा उसको पॉजिटिविटी मिलती है, वो देख के और वो वातावरण में रहकर उसको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। हम हॉस्पिटल्स में भी बटरफ्लाई गार्डन क्रिएट कर सकते हैं अगर अच्छी जगह है, और हॉस्पिटल्स के बाद हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्डिंग्स का, टावर्स का गांव साइड में, बट आप मेट्रोज में जाएंगे जैसे दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, आप देखेंगे तो बिल्डिंग कल्चर है वहां पे, तो सोसाइटीज होती है, मतलब तो आप सोसाइटी का एक अपना एक पार्क होता है जिसमें सारे सोसाइटी मेंबर्स जाके रिलैक्स कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, उस एरिया को हम इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और वो अमेजिंग बेनिफिट दे सकता है वहां के लोगों को। हम बैंक्स में कर सकते हैं, अगर बैंक्स के पास स्पेस ज्यादा है बाहर खुले में, तो अल्टीमेटली ये एम्प्लॉय को एक रिलैक्सिंग फीलिंग देता है। जब आप अगर आप खिड़की आप बैठे हैं और अचानक से आपको खिड़की के बाद तितलियां उड़ती हुई दिखाई दे तो आपका एक पार्टी चेंज हो जाएगा, एक फ्रेशनेस आ जाती है। और नंबर 8 देखेंगे तो एयरपोर्ट, आपको जान के हैरानी होगी कि एयरपोर्ट पे भी बटरफ्लाई पार्क बनता है और एक बना हुआ है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है बट ये भारत में अभी कुछ वर्षों से आया हुआ है, बट ये इंटरनेशनली बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, वहाँ ये तितलियों के बारे में बहुत अवेयरनेस है। तो सिंगापुर में इसका एक एयरपोर्ट है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो पूरा एक एयरपोर्ट ही एक बटरफ्लाई गार्डन के रूप में बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। अगर कोई सिंगापुर गया हो या किसी को जाने का मौका मिले तो उसको जरूर विजिट कीजिएगा, मुझे मौका नहीं मिला बट मेरे लिस्ट में है, मैं उसको जरूर विजिट करूंगी। और नंबर 9 पे आप देखेंगे कि हम इसको बहुत बड़े लेवल पे एक पार्क के तौर पे बना सकते हैं, जहां लोग आके उसको विजिट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे अंग हो सकते हैं, जैसे तितलियों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो, एजुकेशन जैसा हो और जानकारी दी जाए कैसे रिंग होता है, तो एक बहुत बड़े लेवल पे आप उसको एक पार्क बना सकते हैं, जैसे कोई स्टेट में एक अच्छा सा पार्क हो गया तो वैसे उसको बना सकते हैं। नंबर 10 देखेंगे तो आप उसको जो लग्जरी होटल्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के होटल्स होते हैं, उनके पास स्पेस की कमी नहीं होती, तो उनकी वो ब्रांड वैल्यू बढ़ा देता है अगर ये चीज वहां की जाए, एक तितलियों का पार्क उनके होटल में बनाया जाए, कि बहुत उनको वैल्यू एडिशन हो जाता है और जो भी वहां स्टे करे या जो भी खाना खाए वो खाना खाने आए वो खुश हो जाएगा उस वातावरण में। और नंबर 11 आप देखते हैं तो ये वेलनेस सेंटर, आजकल हॉस्पिटल्स और प्लस तो है ही, प्लस वेलनेस सेंटर्स बहुत सारे खुल गए, जैसे योगा सेंटर हो गया, स्पा हो गया, आयुर्वेदा का जो पंचकर्मा सेंटर हो गया, इस तरह के जो इसको वेलनेस सेंटर कहा जाता है, तो ये वेलनेस सेंटर में भी क्रिएट किया जा सकता है और ये बहुत वहां के लिए तो बहुत ही अनुरूप है, क्योंकि वहाँ नेचुरल रूप से थेरेपी हो रही है और नेचुरल सराउंडिंग है, ये सोने पे सुहागा हो गया। और 12 नंबर देखेंगे तो आप ये जॉगर्स पार्क, ये जॉगर्स पार्क का कॉन्सेप्ट भी ये मेट्रो का है, हमने जॉगर्स पार्क को भी तितलियों के गार्डन में बदला है, तो जॉगर्स पार्क मेट्रो में रहने वाले लोगों की जरूरत है, यानी वो सुबह सुबह वॉक करने के लिए, हमारे पास मुंबई में रोड होते हैं, आप रोड पे नहीं चल पा सकते, वॉक के लिए एक जगह बनाई जाती है जिसको जॉगर्स पार्क कहते हैं, तो उसपे आप आराम से वॉक कर सकते हैं, सारे लोग, बहुत सारे ढेर सारे लोग आते हैं सुबह सुबह वॉक करने के लिए, तो उस जगह को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आदमी का एनर्जी लेवल ही वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये सब जगह पर आप इमेजिन कर सकते हैं तितलियों का पार्क। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सिंगापुर क्या हुआ,
सिंगापुर एयरपोर्ट पे बटरफ्लाई गार्डन कैसा दिखता है? देखिए, ये चैंगी एयरपोर्ट है, जो आपको सारी ये उसको डिटेलिंग मिलेगी। और इसकी खासियत आप देखिए, इसको एक क्लोज्ड एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर में बनाया गया है। जैसे मैंने कल बताया कि तितलियों का एक स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, अगर वो बॉडी टेम्परेचर नहीं है तो उनको बहुत ही दिक्कत होती है उड़ने में, सर्वाइव करने में। ये बहुत ही कंट्रोल टेम्परेचर में एक डोम में बनाया गया है, और आप देख सकते हैं उनकी सारी सुविधाओं की फैसिलिटीज वहां रखी गई है, उनके होस्ट प्लांट्स, उनका फूड, उनका खाना, तो उनका पूरा लाइफ साइकिल इसी एरिया में होता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। मैं चाहूंगी अगर किसी को मौका मिले इसको जरूर विजिट कीजिएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक फीडर का काम करते हैं। ये जो फल काट के रखे हैं आप उसपे देख रहे हैं कि तितलियां उस पर बैठी हैं, तो तितलियों को फल बहुत पसंद है। आप उसको, मैं आगे बताऊंगी कि आप उसको घर पे भी रख सकते हैं, कि एक प्लेट पे आप जो पके हुए फल है, गले हुए फल है, आप उसको फेंकने की बजाय आप एक प्लेट में रख देंगे तो तितलियां उसको बहुत ही मजे से खाती हैं। और ये आप जितने भी तितलियां देख रहे हैं, ये सिंगापुर एयरपोर्ट पे ये ज्यादातर भारतीय तितली मुझे दिखाई दी, तो वैसे भी वो एशिया खंड पे आता है तो कुछ हैबिटेट मिलता जुलता है, बाकी सारा कंट्रोल्ड वे में किया गया है, इसलिए वो कोई भी स्पीशीज इस पे पाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप देख सकते हैं सारा सेटअप कितना ब्यूटीफुल। देखिए, ये सारी तितलियां मोस्टली इंडियन तितलियां हैं, जो इंडिया में आमतौर पे पाई जाती है। वैसा ही एक पार्क दुबई में बना हुआ है, मैंने कहा जैसे ये बहुत ही इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, तो अगर कोई कुछ मेरे मित्र हैं जो दुबई रहते हैं तो मैं उनको बोलूंगी कि आप जरूर देखिएगा ये पार्क, आप दुबई में है अभी फिलहाल तो इसको जरूर विजिट कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये सारी मेरे लिस्ट में है, मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर ये सब पार्क्स को विजिट करना चाहूंगी। देखिए कितना सुंदर बनाया है इसका, जब कोई इसको विजिट करता है तो उसका मन खुश हो जाता है, और वो जहन में बहुत लंबे तक वो जहन में उसकी याद रह जाती है, मेमोरी में रह जाता है वो एक्सपीरियंस। तो मैं चाहूंगी पंजाब के लिए भी एक इस तरह का एक तितलियों का पार्क बनाना, अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर बड़े लेवल पे एक पार्क बनाना चाहूंगी पंजाब के लिए भी। तो हाउ टू क्रिएट अ बटरफ्लाई, चलिए अब हमने तो देख लिया कि कहाँ कहाँ किया जा सकता है, अब हम हमारे पर्सनल लेवल पे आते हैं। चलिए, अब हमने सारी जानकारी ले ली लाइफ साइकिल के बारे में, उनकी सारी विशेषताओं के बारे में, अब हम हमारे पास जो स्पेस है उससे हम कैसे शुरू करें। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास स्पेस कितनी है। तो मैंने जैसे ही बताया कि आप बालकनी, ये जो बटरफ्लाई गार्डन है, आप अपनी सुविधा अनुसार, आपके पास छोटी जगह है कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ स्क्वायर फीट, क्योंकि मेरी जो बालकनी थी वो 2x4 स्क्वायर फीट की बालकनी थी, छोटी सी बालकनी थी, वहां से मैंने शुरू किया था। और ये कई एकड़ों ऑफ फार्म्स, एकर्स ऑफ फार्म्स यूज किया जा सकता है इस हैबिटेट को क्रिएट करने में, तो वो इम्प्रूव करता है। अगर जितना बड़े लेवल पे ये किया जाए उतना ज्यादा वहां की इकोलॉजी वो इम्प्रूव करता है। तो स्पेस मैंने जैसे बताया, आपके पास जितनी भी स्पेस है आप उसको यूज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं बालकनी गार्डन हमें बनाने के लिए करीबन इतना टाइम लग जाता है, और स्मॉल एरिया का अगर गार्डन बनाते हैं कुछ 1000 स्क्वायर फीट के आसपास, यानी 5000-10000 स्क्वायर फीट का गार्डन बनाते हैं, तो उसको सेटअप करने में अराउंड 1 मंथ लग जाता है। और ये इकोलॉजी बेनिफिट्स क्या है मैं वो बता देती हूँ। ये
एनवायरनमेंट पे जो पोल्यूशन का इफेक्ट है उसको कम करता है तेजी से, और इस सेटअप के द्वारा आप बहुत सारी तितलियों को संरक्षित करते हैं, उसका कंजर्वेशन करते हैं। तितलियों के साथ साथ आपको पता चल गया कि तितलियां सारा जो दारोमदार है वो सारा पौधों पे है, आप इनडायरेक्टली आप पौधे लगाएंगे ही, पौधों को प्रमोट करेंगे ही। तो आप जानते हैं वृक्ष रोपण से कितने सारे फायदे होते हैं, अल्टीमेटली आप ग्रीनरी फैला रहे हैं और इससे क्रॉस पॉलिनेशन का ये काम करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि परागण का काम करते हैं। और अगर आप ये हैबिटेट क्रिएट करते हैं तो ये आप अपने स्तर पे भी अगर इसको करते हैं तो ये आप एक माइक्रो लेवल में आपका एक योगदान रहेगा ग्रीन जोन क्रिएट करने में। तो ऐसे मत समझिए कि मैं छोटे से एरिया में करके पर्यावरण पे इसका क्या असर होगा, नहीं, वो बूंद बूंद से सागर बनता है तो उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। और जो बड़े लेवल के हम पार्क्स बनाते हैं, फार्म्स बनाते हैं एक एकड़ और या एक एकड़ से ऊपर के, तो एक एकड़ के करीबन 6 महीने लग जाता है उसको बनने में, और 2 एकड़ का जो फार्म होता है वो 1 साल के आसपास लगता है। और बड़े एरिया में हम मियावाकी मेथड यूज करते हैं प्लांटेशन का, बहुत इजी हो जाता है वो। और सेकेंड पॉइंट, आपको बालकनी गार्डन क्रिएट करने के लिए क्या जरूरी है, जैसे मैंने कल बताया तितलियों को धूप पसंद है, अगर धूप नहीं है सनशाइन नहीं है तो तितलियां आना मुश्किल है। प्लस आप जो पौधे लगाएंगे तितलियों के लिए, वो पौधों के लिए भी धूप बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं, अच्छे पौधे चाहते हैं, उसका अच्छी उपज चाहते हैं, तो धूप एक बोलते हैं इसको नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग कंपोनेंट है, धूप के बिना कुछ नहीं होना है। तो ऐसा एरिया सिलेक्ट कीजिए अपने गार्डन बनाने के लिए कि वहां अच्छी धूप आती हो, सुबह की अच्छी धूप आती हो और कई घंटों की धूप आती हो, करीबन 5 से 6 घंटों की धूप आएगी तो बहुत बढ़िया है, बट धूप आना बहुत जरूरी है। अगर धूप नहीं आएगी तो बटरफ्लाई का आना मुश्किल हो जाता है, पसंद नहीं करते वो आना। आप देख सकते हैं कि उनको कितना मजा आता है धूप में घूमना। और अब कल जैसे बात हुई थी, उत्सुकता थी लोगों में कौन से पौधे लगाएं, तो सबसे पहले तो हम वैसे तो समझ ही गए लोग होस्ट प्लांट क्या होता है। तो होस्ट प्लांट वो होता है जो कैटरपिलर्स एज अ फूड यूज करते हैं और बटरफ्लाइज अपने एग्स उस होस्ट प्लांट पे ले करते हैं। और एक बटरफ्लाई का ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही होस्ट प्लांट हो, उसके 2 से 3 तरह के भी होस्ट प्लांट हो सकते हैं। तो हम देखेंगे अब श्रृंखला में कि क्या क्या होस्ट प्लांट आप लगा सकते हैं अपने घर में और इन प्यारे से नगीनों को अपने घर बुला सकते हैं। तो आप सबसे पहला पौधा है, जैसे मैंने कल बताया था, कोई पूछ रहा था कि इनका इस कड़ी पत्ते का क्या महत्व है, तो सबसे पहला आप गार्डन में आपके कड़ी पत्ता इस कंपल्सरी। मैं चाहूंगी पंजाब के हर घर में और भारत के हर घर में कड़ी पत्ता जरूर होना चाहिए, वो और कोई वनस्पति हो ना हो बट कड़ी पत्ता जरूर होना चाहिए और आप उसको खाने में भी जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो कड़ी पत्ता अगर आप लगाते हैं तो इससे क्या जादू होगा, कड़ी पत्ता लगाने से देखिए ये सबसे पहली तितली है जो कॉमन मॉर्मन जिसको बोला जाता है, ये अंडे देने आती है और ये कॉमनली पाई जाती है महाराष्ट्र में। और दूसरा बटरफ्लाई है जिसको एक फ्लाई बोलते हैं, ये भी आती है कड़ी पत्ता पे अपना अंडा देने। और तीसरी तितली है लाइन बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं, वो भी आती है, अगर आप कड़ी पत्ता लगाए हैं तो ये खींचे चले आएंगे, तो कड़ी पत्ता जरूर लगाइए। तो 3 तरह की तितली आप आकर्षित कर लेंगे अगर कड़ी पत्ता लगाते हैं। दूसरा नींबू, जैसे मैंने आपको कल बताया कि मैं आगे आपको बताऊंगी, मैं नींबू बहुत लगाती थी, मुझे नींबू फल से कोई मुझे लेना देना नहीं था बट मुझे वो पत्ते चाहिए थे मेरे बच्चों के लिए। तो आप देख सकते कि नींबू का जो पौधा है
इसमें 5 तरह की तितलियां आती है अपने एग्स ले करने के लिए। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि वो कर लीजिए कि कॉमन मॉर्मन की काली तितली है, जो ये एक मेल है। तो ये आपके, अगर नींबू का पौधा है तो ये आपके यहाँ जरूर आएगी अंडे देने। फिर ये दूसरा बटरफ्लाई देख रहे हैं, तो ये एक नाखून के बराबर इसकी साइज होती है और बहुत ही प्यारा सा चंचल बटरफ्लाई होता है, इसको लाइम ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं। तो वो आपके यहाँ दिखाई दे सकता है, और मैंने इसको कई बार रेयर किया है, मेरे घर बहुत बार आ चुका है ये मेहमान। और तीसरा आप देखते हैं तो ये कॉमन बैंडेड पीकॉक बटरफ्लाई है, और ये भी नींबू के, अगर आपका नींबू का पेड़ अगर आपके यहाँ लगा हुआ है तो ये तितलियां जरूर आपके यहाँ आएंगी। और जैसे मैंने बताया ये ब्लू मॉर्मोन की तितली है, जो महाराष्ट्र स्टेट बटरफ्लाई ऑफ महाराष्ट्र है, ये ब्लू मॉर्मोन तितली है, यही वो तितली है जो महाराष्ट्र स्टेट को दी गई है। तो ये तितली आ सकती है, और ये काफी सुंदर तितली होती है, बड़े साइज की होती है। ये छवि ने बीच में ही प्रश्न किया है, वो मुझे लगता है क्योंकि इसी स्लाइड से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। Why are you more interested in lemon tree leaves? Any special use for them? उन्होंने पूछा, तो यही आप वो स्लाइड दिखा। सॉरी मैं समझ नहीं पाई क्वेश्चन क्या पूछे। लेमन उनके चैट बॉक्स में लिखा हुआ देखिए जरा। आज ओके अच्छा अच्छा छवि ने पूछा है, राइट। तो छवि जी ये लेमन ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये उनका जो ये बटरफ्लाईज 5 कुल में डिवाइडेड है, इसमें से ये स्वॉलो टेल ये कुल है। तो ये कुल की बटरफ्लाईज को सिट्रस चीजें ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो ये पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि यही तितलियां, आप तितलियां, मैंने आपको कहा कि हमारे पूरे भारतवर्ष में 1500 से ज्यादा तितलियां हैं, तो ये तो सिर्फ 5 तितलियां, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी सारी तितलियां हैं, और अपनी हर एक तितलियों की अपनी वनस्पति है। तो ये ऐसा नहीं है कि यही तितलियां सिर्फ ये लेमन ही पसंद करती है, और बहुत सारी वेराइटी है। तो आप आगे देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि नहीं, और भी बहुत कुछ है इसमें। तो आप 5th नंबर का बटरफ्लाई देखेंगे, तो इसको लाइन बटरफ्लाई बोलते हैं। तो अगर आप ये लगाते हैं तो ये भी आपके घर जरूर आएंगे। और मैं आपको कल, मैं जैसे बता रही थी कि बहुत ही आसान तरीका है नींबू को लगाना। देखिए जैसे मैंने कल बताया, आप ये पहले पिक्चर में देख रहे हैं, जब मैं नींबू घर में यूज करती हूँ तो उसके बीज कभी बीज से नहीं काटती हूँ, मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसके बीज डैमेज ना हो। और आप देख सकते हैं पहले पिक्चर में कि ये मैंने मिट्टी में डाल दिया, मैं ज्यादा एफर्ट भी नहीं लेती हूँ, उसको सिर्फ मिट्टी में डाल देती हूँ। और आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं ये सारे नींबू के पेड़ है, और वो भी मैंने कैसे उगाए हैं, मेरे बगल में एक रेस्टोरेंट था और वहां पे वो रोज प्लास्टिक बॉटल वेस्ट होते थे, और वो मुझे देख के मेरा जान जलता था कि अरे इतना प्लास्टिक बर्बाद हो रहा है, इसका कुछ तो किया जाए, इसको रोका जाए। तो उसको मैं कट करके इस तरह एक बना देती थी जिसमें वो मैं नींबू का पौधा लगा सकूं, तो बहुत अच्छे से वो ग्रो हो जाता था, और ये गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता था। तो आप देख सकते हैं ये नीचे वाला पिक्चर, ये मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाते थे तो मैं लोगों को गिफ्ट कर देती थी, मैं बोलती थी आप भी लगाइए, आपके यहाँ भी तितली आएंगी। तो इस तरह मैं नींबू के पेड़ लगातार लगाती थी, क्योंकि आप जान रहे कि उसमें बटरफ्लाईज आते हैं, और मेरे यहाँ नींबू वाले बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा आते थे, तो मेरा हर दिन नींबू का ग्रोइंग रहता था। कल जैसे कोई पूछ रहा था कि पत्तों से कैसे ये उग सकता है नया पौधा, तो वो ये उन शख्स के लिए, आप देख सकते हैं ये देखिए ये पत्तों में से नया पौधा निकल आया, तो ये जादुई चीज है ही अपने आप में। तो आप देख सकते हैं इसलिए उसको लीफ ऑफ लाइफ बोलते हैं। और अगर आप ये पत्थरचट्टा लगाते हैं तो ये बहुत सुंदर सा एक छोटा सा, हमने कल इसका वीडियो भी देखा, ये वाला बटरफ्लाई आपके घर आएगा, इसको रेड पियारो बोलते हैं। और ये छोटी सी तितली होती है, ये भी बहुत एक्टिव होती है, निकलते ही उड़ना मुश्किल होता है तो चलना शुरू कर देती है, ये बहुत ही चंचल है, एक जगह रुकती नहीं है,
और आप ये देख सकते हैं कि एक एक मैंने गमले में ये पत्थरचट्टा लगाया था, तो आप देख सकते हैं ये 8.5 फीट से भी ज्यादा हो गया और ये पूरे बाहर पे है। आप ये देख सकते हैं ये ऊपर जो है ये सारे उसके फूल लगे हुए हैं, तो ये अपने पूरी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और बहुत खुश है, उसकी पूरी बहार पर है वो। तो पत्थर चट्टा आप जरूर लगाइए, इसके मेडिसिनल वैल्यू तो है ही, स्टोन किडनी स्टोन गलाने में काम होता है, बहुत सारे और बेनिफिट्स है। और जैसे मैंने कहा पत्ते से ही ग्रो हो जाता है, तो ये भी मैंने बहुत सारे गिफ्टिंग के लिए ये दिए, नींबू के साथ साथ मैं ये वाले पौधे भी दे देती थी क्योंकि पत्ते से ग्रो होता है तो बहुत आसानी है। आप पत्ता क्या कीजिए, फोड़ के आप सिर्फ मिट्टी में रख दीजिए उसको, और आपको कुछ एफर्ट नहीं लेना है, अपने आप वो उसमें से नया पौधा निकल आएगा क्योंकि वो अपने पत्ते से ही न्यूट्रिएंट वैल्यू ले लेता है। तो बहुत आसान है इसको ग्रो करना। नंबर 4 ये है कृष्ण कमल। आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में ये बहुत ही सुंदर फूल है जिसको पैशन फ्लावर बोलते हैं। कोई बताएगा इसका नाम कृष्ण कमल क्यों है, किसी को आइडिया है? कोई चैट में डाल सकता है, कोई कोई जवाब अनम्यूट करके देना चाहेगा। मुझे नहीं लगता किसी को मालूम होगा। कलर वो मोर पंख की तरह लग रहा है। यस, मोर पंख। इसकी खासियत मैं आपको बताती हूँ, आज आप इसके बारे में जान के आपको बाद में आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये जो कृष्ण कमल इसलिए कहा गया है, आप इसकी ये जो छोटी छोटी जो लाइंस देख रहे हो वो सारी पंखड़ियां हैं, तो ये सारे कौरव हैं। 100 कौरव थे आप जान रहे हैं ना, तो ये सारे कौरव हैं। बाहर की जो आउटर लेयर है वो 100 होती है और वो कौरव है, और आप ये बीच का जो सफेद हिस्सा देख रहे हैं वो 5 है, तो ये 5 पांडव है, ठीक है। और ये जो बीच का एक हिस्सा जो उठा हुआ है ऊपर निकल आया है उसको कृष्ण कहा जाता है। ये पूरा अपने आप में एक चीज समाये हुए है, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है कृष्ण कमल। आप समझ रहे हैं इसमें कौरव है, पांडव है और कृष्ण जी हैं, इसलिए इसको कृष्ण। और इसकी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, ये तो मैंने अभी एक ही पिक्चर डाला है इसमें, बट आपको इसमें बहुत ही अलग अलग रंग के मिल जाएंगे, करीब 6 से 7 रंग के हैं। और एक वाइल्ड वैरायटी आती है, सफेद रंग का होता है, बटरफ्लाईज वाइल्ड वो वैरायटी भी बहुत पसंद करते हैं, उसका झुंड के झुंड आपको उसको कैटरपिलर्स मिल जाएंगे उसमें, तो ये आपकी गार्डन की शोभा भी बढ़ाएगा। मुझे मेरा भी ये प्रिय पौधा है, और ये लती होती है, पेड़ नहीं होता, ये लती होती है, इसको आप जरूर लगाइए, आपको मिल जाएगा, मुझे लगता है नर्सरी से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो नंबर 5 हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आकमन मैंने जैसे बताया हनुमान जी को प्रिय है, और इसको मिल्कवीड बोलते हैं क्योंकि इसमें से आप जानते हैं कि अगर आप पत्ता तोड़ते हैं तो सफेद रंग का दूध निकलता है। तो कल जैसे मैंने बताया था कि ये जहरीला होता है, कुछ बटरफ्लाई जहरीले होते हैं जो पक्षी और कुछ और शिकारी खाना पसंद नहीं करते, तो उनमें से ये एक है जिसका शिकारी पसंद नहीं करते क्योंकि वो दूध का जो वेनमस अंश है वो उसमें आ जाता है, जहरीला अंश आ जाता है। बट इसके आप जान ही रहे कि आप बहुत सारे मेडिसिनल फायदे हैं, नेचुरोपैथ में तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं इसको, इसकी दवाइयां मिलती हैं जड़ों की फूलों की, और इसको अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में ये 3 तितलियां आती हैं, और ये तितलियों को तो मुझे लगता है करीब मैंने 100-150 तितलियां मैंने इसको रेयर की होंगी प्रजाति की। तो पेन टाइगर आपको जरूर मिलेगा, आपके यहाँ दिखेगा, और ये आम बटरफ्लाई है, जनरली सभी स्टेट में दिखाई देता है, आसानी से आप इसको रेयर कर सकते हैं। और इसके बराबर आप ये नीचे देखेंगे तो ये ब्लू टाइगर है, सेम कुल के हैं बट इसका सिर्फ रंग अलग है, आप विंग्स पैटर्न देखेंगे सेम है,
का डिफरेंशिएट, पांच कुल जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके पंखों के आकार से और उसके रंगों से कैटेगराइज किया गया है, तो वो इजी फॉर आइडेंटिफिकेशन में सहूलियत हो जाती है, इसलिए उन्हों पांच कुलों में उनको बांटा गया है। और ये वाला आप बटरफ्लाई देखेंगे, तीसरा वाला, उसको ग्लासी टाइगर बोलते हैं, ये भी टाइगर फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका आप रंग देखेंगे ब्लू टाइगर से थोड़ा हल्का है, अब वही शेड होता है बट ये डिफरेंस है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर छह पर है कनेर का पेड़, मतलब ये बहुत ही आम पेड़ देखा जाता है और नॉर्दर्न साइड भी ये इजीली मिल जाता है। तो आप अगर कनेर में भी बहुत सारी वेराइटीज है, आप कौन सी भी वेराइटी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप कनेर का पेड़ लगाते हैं तो कॉमन क्रो, जैसे ये क्रो, इसको क्रो नाम क्यों दिया गया, आप देख सकते हैं इसकी जो शेड है वो क्रो कौवे की तरह उसका रंग है, और ये भी वही फैमिली से बिलोंग करता है। और आप, मैंने कल आपको बताया था कि तितलियों को कितने पैर होते हैं, कोई जवाब देगा? हम यस, वेरी गुड, छह पैर होते हैं। बट मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि देखिए कुछ तितलियां ऐसी होती, आप ये तितली में नोटिस करेंगे कितने पैर हैं, कोई बताएगा ये तितली के कितने पैर आपको दिखाई दे? चार पे खड़ी है, दो किसी yes. Yes. तो ये कुल की तितलियां हैं जो इनके डोमिनेंट चार ही पैर दिखते हैं, और दो पैर होते हैं छोटे होते हैं वो फोल्डेड होते हैं। तो किसी किसी को ये ना हो कि अरे ये इसके तो चार ही पैर हैं, ऐसे कैसे। मैं बटरफ्लाई रेयरिंग में शुरू कर रही थी जब ये पहली बार ये बच्चा हुआ, तो मैं तो डर गई कि अरे बाबा ये डिसेबल हो गया कि क्या, इसको चार ही पैर क्यों है। तो मैंने फिर एक्सपर्ट से राय ली कि मैंने बोला ये ऐसे क्यों है, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, इसके छह पैर होते हैं बट दो पैर फोल्डेड होते हैं। तो मुझे जब भी जब तुरंत पैदा हुआ मुझे हैरानी हुई कि मेरे बच्चे के दो पैर कहाँ गए। तो आप जब मेरे बच्चे एक ऐसा कहते हैं जो लोग नए जुड़े हैं, पर धारा जी तितलियों को मेहमान और जो उनको रियर करते हैं उनको बच्चे, वो इतना जुड़ी हुई है ऐसा बोलती है, सच में मतलब मुझे लगता है कि आप तो तितलियों को जी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे मैं जैसे वो माँ एक बच्चे को अनुभव करती है, पालती है, पोसती है, उसकी पोटी साफ करेगी, उसको देखेगी खाने की जरूरत है, बिल्कुल वो मैं, मुझे मेरे बच्चे ही लगते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, छुई मुई का पौधा, ये आप देख सकते हैं इसके कितने प्यारे फूल हैं, एक पिंक, छोटे छोटे पिंक बॉल जैसे होते हैं, हाँ थोड़ा सा इसमें कांटे होते हैं। आप इसको गार्डन में आप लगाइए तो एक कोने में लगाइए, यानी किसी को वो कांटा चुभे ना, बट बहुत ही सुंदर पौधा है। और इसके आप ये जो तितली है, मैंने बोला ना बॉटनिस होती है, वो जितना ज्यादा पौधे में गुण वो चाहती है कि वो उनके बच्चों को मिले, और वो पौधे सिलेक्ट करती है। इसलिए आप देखेंगे तितलियां का जो होस्ट प्लांट है वो सारा औषधि गुणों से भरा हुआ है। तो जैसे ये छुई मुई का भी पेड़ बहुत सारी औषधि में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका फूल इतना प्यारा, इतना सुंदर है, पहली बार खिला था तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मैंने बोला यार ये कितना सुंदर, वो कैंडी फ्लॉस आपको याद है जो बचपन में हम कैंडी फ्लॉस पिंक वाला खाते थे, मुझे वो उसकी याद आई थी। तो इस पे आपको कॉमन ग्रास, अगर ये आप पौधा लगाते हैं तो इसपे कॉमन ग्रास येलो की तितली आती है, और जो छोटी छोटी होती है आपको बहुत खेलती हुई दिखाई देंगी, छोटी छोटी एकदम मूर्तियों में दिखाई देंगी, तो ये सारी ये पसंद करती है ये पौधा। और दूसरा बटरफ्लाई आएगा तो टेललेस लाइन ब्लू, ये एक पौधा, ये भी ब्लू फैमिली, इसको ब्लू, जो छोटी तितलियां है उसको ब्लू बटरफ्लाईज, जो ब्लू कैटेगरी की स्पीशीज है उसमें ये आते हैं और छोटे होते हैं। तो ये बटरफ्लाई आपको, ये दो बटरफ्लाईज आपको आपके घर आकर्षित होंगे अगर आप ये पौधा लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, गोल्डन चंपा, ये वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर है, बहुत ही मुझे प्रिय है ये फूल,
यानी ये बहुत ही रॉयल पेड़ माना जाता है और फूल माना जाता है। तो आप को शायद इसी की वैरायटी दुनिया में सबसे महंगा जो परफ्यूम बनता है, अलंग अलंग बोलते हैं उसको, ये इन्हीं फूलों से बनता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम इन प्रजातियों के फूलों से बनता है। तो और इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है, वैसे तो ये महाराष्ट्र में आसानी से मिल जाता है और कॉस्टली होता है पेड़। बाकी सब पेड़ आपको बहुत कम दाम में मिल जाते हैं, बट ये पेड़ महंगा होता है क्योंकि इसके फूल, अगर आप महाराष्ट्र में, तो इसका फूल भी बिकते हैं, आपको एक फूल 10 रुपए का सेल करेगा वहां पे, और बिकता भी है, पूरा स्टॉकआउट हो जाता है। अगर आप सुबह सुबह फ्रेश फूल लेने जाए और आपको ये बिक रहा होगा, तो आपको थोड़ी देर बाद देखेंगे तो पूरा बिक जाएगा। तो और बहुत कॉस्टली बिकता है, तो कॉस्टली भी लेने के लिए लोग तैयार होते हैं। और इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग है। आप एक फूल भी रख देंगे घर में तो उसकी महक है बहुत ही बीनी बीनी सी, बहुत अच्छी महक है। तो मैं तो क्या करती हूँ उसको, इसका एक इसको ऑयल में डाल के भी स्टोर किया जाता है। इसकी एक मेथड है, आप ग्लास बॉटल में इसको ऑयल में डाल के और पानी में डाल के उसको कुछ एक मिक्सचर बनता है, यानी वो खराब नहीं होता। तो आप कई साल उसको स्टोर कर सकते हैं, फिर वो पानी आप थोड़ा थोड़ा आपके घर में यूज कर सकते हैं। जैसे कोई पूजा हो गया या घर में कोई शुभ दिन है तो पोछा लगना हो गया, तो आपका घर बहुत अच्छा महकेगा, एकदम बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। जैसे कोई लग्जरी होटल में आप आ गए हैं, आपको वो प्रयोग करना है, तो इसके फूल आप ले सकते हैं। तो मैं जब मुंबई से मैं यहाँ आई, झारखंड आई, तो मैं चाहती थी इस पौधे को ले आना। तो मैं मेरे हस्बैंड को मैंने बहुत बार बोला था, प्लीज मुझे ये पौधा चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सारे मुंबई से यहाँ पौधे ले आई थी ट्रेन में। फ्लाइट में तो अलाउड नहीं है इतना सारा सामान लाना, तो मैं स्पेशली ट्रेन में ट्रैवल जाती हूँ फ्लाइट से हमेशा, बट मुंबई से आती हूँ तो ट्रेन में आती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये सारे पौधे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, तो इसको लेके आने में दिक्कत होती है। तो ट्रेन में हमेशा मुझको लोग पूछते हैं, और देख के उनको जिज्ञासा होती है, तो पूछते हैं कि आप पौधे ले जा रहे हैं, तो हमेशा वो सवाल उठता है। और मैं फिर मैं बताती हूँ कि ये चीज है, तो वो भी सरप्राइज हो जाते हैं, अमेज हो जाते हैं। तो मैं इसका पौधा लाना चाहती थी, बट मुझे वो लाने मिला नहीं किस कारणवश। तो मुझे वो थोड़ा अफसोस आएगा कि ये आ रही है, मेरा पौधा नहीं आया यहाँ, और हमने यहाँ बहुत खुजवाया कि यहाँ मिल जाए कि कहीं मिल जाए, बट नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मुझे, मैं खोज रही थी जिस चीज को, हम यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, और आसपास झारखंड आप जान ही रहे कि बहुत ग्रीन जोन है, तो अच्छी यहाँ हरियाली है, और मैं रहती हूँ वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बगल में ही है, तो वहाँ बहुत अच्छी हरियाली है। तो अचानक से एक दिन सुबह मुझे इसका पेड़ मिल गया, और मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा, उतना बड़ा वो पेड़ था। मुझे लगता है वो करीब 20-25 फीट की इसकी हाइट होगी, मेरे मुंबई में तो वो करीब 10 फीट के आसपास वो पेड़ होगा, बट ये पेड़ देख के यानी आई वॉज सरप्राइज। मैंने बोला कि देखिए नेचर आपको कैसे गिफ्ट करता है और सरप्राइज करता है, जो चीज आप चाहते हैं वो कैसे आपके सामने प्रकट हो जाती है। तो उस पेड़ को देखने के बाद मुझे मुझ में जान आ गई कि मैंने बोला कि मैं कोई नई जगह पर नहीं आई हूँ, ये लोग मेरे साथ हैं, ये दोस्त मेरे पुराने यही हैं। तो अब मैं बहुत एंजॉय करती हूँ यहाँ पे, और मुझे ऐसी कमी महसूस नहीं होती कि नहीं ये मेरा दोस्त यहाँ नहीं है। तो ये अगर ये पेड़ आप लगाते हैं, तो आप इसको जरूर लगाइए, आपके गार्डन की शान बढ़ा देगा। तो ये पेड़ आप लगाने से आपको यहाँ दो तितलियां आएंगी, ये टेल जेल तितली है, हरे रंग की बहुत सुंदर तितली होती है, बहुत प्यारा सा हरा रंग होता है इसका। और दूसरी है उसी कुल से है वो, जिसको कॉमन जे बोलते हैं, इसका थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्लू शेड होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये अब हम थोड़ ये तो चलो हमने छोटे वृक्ष देखे हैं, अब हम थोड़ा बड़े वृक्ष पर बढ़ते हैं। क्योंकि तितलियों की जो जैसे जैसे प्रजातियां बढ़ती जाती है, वो बड़े बड़े वृक्ष भी पसंद करती है, ज्यादातर बड़े, क्योंकि जंगलों में रहती है तो बड़े वृक्ष ही होते हैं, तो वो ज्यादा पसंद करती है बड़े वृक्ष। तो बड़े वृक्षों में एक, अगर आपके पास अच्छी खासी जगह है या बड़ा सा जगह, मेरे यहाँ तो खैर जगह नहीं थी तो अब मैं नहीं कर पाई, बट जिनके पास भी अगर जगह है, तो अपने घर में
आम का पेड़ जरूर लगाइए, ये मस्ट है। तो अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभदायी है ही, फल फलों का राजा माना जाता है, बट अगर इसको लगाते हैं तो ये चार तरह की तितली आपके यहाँ आने की संभावना हो जाती है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं, इसका नाम है मंकी पजल। इसको मंकी पजल क्यों कहा गया कि आप उसका डिजाइन देख सकते हैं और उसकी जो रूपरेखा है वो उसको रिजेंबल करती है, और इसका प्यूपा आप देख सकते हैं तो वो कुछ हद तक उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका आकार इस तरह होता है, और ये भी छोटी तितली होती है। और आप दूसरे नंबर पे ये देखेंगे तो ये कॉमन ब्राउन तितली है, ये आपको दिखाई देगी। इस तितली का कैटरपिलर का भी बहुत ही अच्छा तरीका है प्रेडिटर से बचने का, कैमोफ्लाज अपने आप को रखता है। वो जो आम का पत्ता है वो उसी जैसी उसमें वेल्स है उसी तरह का वो अपने आप शरीर बना रखा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैटरपिलर वहां आम के पत्ते पे बैठा हुआ है। तो आप जब गौर से देखते, और वो खास बात ये है कि वो दिन में एकदम सुस्त पड़े होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, हलचल नहीं होती है, यानी लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और वो जो भी खाना पीना होता है सारी हलचल वो रात में करते हैं, यानी कोई शिकारी भी नहीं देखेगा, कोई इंसान भी उनको नहीं देखेगा, तो बहुत ही गुप्त रूप में ये सारा अपना काम करते हैं, तो लोगों को या किसी को पता नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है। तो उसी कुल से ये दूसरी तितली है। एक मिनट, व्हाइट एज ब्लू बराउन है, तो ये सेम है, बराउन का ही एक स्पीशीज है, बट उसका थोड़ा कलर वेरिएशन है। और आप लास्ट वाला ये देखेंगे तो ये कॉमन इम्पीरियल तितली है। आप देख सकते हैं ये तितली अपने आप में कितनी सुंदर है, आप ये हिस्सा देख पा रहे हैं जो ये उसका टेल वाला हिस्सा है, ये कितना प्रिटी है, एक्सटेंड हुआ है। तो ये तितली जब दिखती है तो ऐसा लगता है कोई ये देवलोक से या स्वर्गलोक से कोई जीव उतरा है, आप उसको देखते हैं। तो आम का पेड़ जरूर लगाइए अगर आपके पास जगह है तो, और छत पर है तो आप कोई नहीं ड्रम में लगाइए, बट इसको जरूर लगाइए। तो आम के बाद आता है अमरूद, दूसरा पौधा है अमरूद है। तो अमरूद भी एक बहुत ही अच्छा पौधा है गार्डन के लिए, और जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी स्पेस अगर आपके पास है तो अमरूद का पौधा बहुत जरूरी है आपके गार्डन में होना। अमरूद के भी अनगिनत फायदे हैं, जैसे मैंने कहा कि उसके पत्तों से आप व्यंजन बना सकते हैं, और भी बहुत सारे उसके मेडिसिनल वैल्यूज हैं जो अमरूद, और आप अमरूद जान ही रहे कि पेट के लिए एक वरदान है। तो अमरूद अगर आप लगाते हैं तो ये वाला कॉमन गुआवा ब्लू आपके यहाँ ये बटरफ्लाई आने की संभावना बढ़ जाती है, और ये उसी स्पीशीज का बड़ा वर्जन है, लार्ज गुआवा ब्लू बोलते हैं इसको, और ये बहुत ही आप देख सकते हैं ये ओपन विंग्स में, आपको ये ब्लू क्यों कहा गया है इन लोगों को, तो ये आप जब वो अपने पंख खोलती है तो आप देख सकते हैं उसमें ब्लू रंग का शेड दिखाई देता है। तो ये नीले रंग के कुल की तितलियां है सारी, इसलिए उनको ब्लूज कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी एक बहुत ही सुंदर और प्यारा पेड़ है, छोटा सा होता है, इसको चित्रक बोलते हैं, और इसको डॉक्टर बुश भी बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमनली नोन एज डॉक्टर बुश। और इसके फूल मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, बहुत ही डेलिकेट से होते हैं और उसका टेक्सचर बहुत मुझे पसंद है, और रंग भी बहुत पसंद है। तो अगर आप ये, और बहुत आसानी से लग जाता है और आपकी गार्डन की शोभा ऐसे ही बढ़ा देगा वो अगर आप इसको लगाते हैं तो, और इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज है, बेनिफिट्स है, औषधियों में उपयोग किया जाता है इसको, नेचुरोपैथ में, आयुर्वेद में। और अगर ये आप पौधा लगाते हैं अपने घर में तो जेब्रा ब्लू ये बटरफ्लाई आपके यहाँ आने की संभावना बढ़ जाती है,
इसको जेब्रा ब्लू क्यों कहा गया है कि आप देख सकते हैं कि इसका जो ये रूप और डिजाइन है वो जेब्रा को रिजेंबल करता है, उसकी जो शेडिंग है वो उससे मिलती जुलती है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये सारे होस्ट प्लांट है जिसपे तितलियां अंडे देंगी। ठीक है, गार्डन बनाने के लिए दो दो तरह के पौधे होना बहुत जरूरी है, एक हो गया होस्ट प्लांट और एक हो गया नेक्टर प्लांट। होस्ट प्लांट जिसपे कैटरपिलर पलाएंगे और नेक्टर प्लांट जिसपे वो तितलियां बनने के बाद उनका वो खाना उस नेक्टर प्लांट से मिलेगा। तो हमने ये कुछ होस्ट प्लांट देखे हैं, तो अभी तो मैंने ये 11 की लिस्ट सूची बनाई है, बट इसकी बहुत लंबी सूची है। मैं चाहूंगी कि मैं इसको एक डिटेल डॉक्यूमेंट बना के आपके साथ शेयर करूं, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है तो मैं इसमें जरूर शेयर करूंगी। और मैंने पंजाब के अकॉर्डिंग ज्यादा वो होस्ट प्लांट सिलेक्ट किए हैं कि क्योंकि ज्यादा लोग वहां से जुड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हर एक स्टेट की यहाँ इतनी विविधता है भारत में, मैंने कहा ना कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, और इतनी सारी विविधता मुझे नहीं लगता किसी और देश में पाई जाती है। तो भारत अपने आप में समृद्ध है, इस बहुत ही रिसोर्सफुल है, नेचुरल रिसोर्स से भरपूर है। बस दुख की बात यह कि हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते और जो है उसको नष्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा अफसोस होता है। बट मैं चाहूंगी एक पॉजिटिव चेंज चाहूंगी कि लोग जागरूक हो और जो हमारी धरोहर है उसको संजो के रखें। और हमारे पास बहुत कुछ है इंडिया में, लोग इस जानते नहीं है हमारी क्षमता क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ इतनी विविधता है, तो हर एक स्टेट की अपनी तितलियां हैं। तो अगर आप कभी भी गार्डन अपना सेटअप करने से पहले ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके स्टेट में कौन सी तितलियां पाई जाती है। आमतौर पे अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो आप पहले स्टडी कीजिए कि कोलकाता में कौन से आमतौर पे तितलियां पाई जाती है, उस हिसाब से फिर हम आपका गार्डन डिजाइन कर सकते हैं। उस तरह मैंने पंजाब की भी ये मोस्टली सारे पंजाब की ये आज जो लिस्टिंग है वो उसको ध्यान में रख के बनाया हुआ है। और ये जनरली कॉमन है और स्टेट्स में भी इसको लागू किया जा सकता है। तो वो कभी भी डिजाइन करेंगे तो उसका ध्यान रखिएगा कि पहले स्टडी कीजिएगा कि आपके यहाँ कौन सी तितलियां आती है, फिर उस हिसाब से होस्ट प्लांट लगेंगे, फिर और उसके बाद आप नेक्टर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, तो होस्ट प्लांट हमने कंप्लीट किया, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्टर प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्टर प्लांट में बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। हमें ये एक खिताब मिला है कि हमने ये कॉमन इवनिंग ब्राउन एक बटरफ्लाई है, हमने इसका होस्ट डिस्कवर किया है। बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया एक पूरा ऑल ओवर इंडिया आई थिंक वर्ल्ड से साइंटिस्ट जुड़े हैं जो तितलियों पे काम करते हैं। और ये आप www.ifoundbutterfly.org वेबसाइट देखते हैं, उसमें सारा ये डेटा अपडेट होता है, सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। पूरे भारत वर्ष में जो तितलियां पाई जाती हैं आप अपना रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। तो उसमें ये हमने ये दर्ज किया है कि इसके पहले किसी ने इसको खोजा नहीं था, तो हमने इस होस्ट को खोज के निकाला है। और आप देख सकते हैं इसका होस्ट क्या है, ये एक वाइल्ड वैरायटी ऑफ कॉर्न बोलते हैं, इसको मैंने खुद उगाया था या ये बीज में लाई थी। और ये इसको हिंदी में इसका नाम है वैजयंती। मुझे लगता है लोगों को पता होगा कि वैजयंती माला जिसमें जप में यूज होता है, जो जप करते हैं। आप देखिए ये आप देख पा रहे हैं ये सीड्स आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अभी दिखा रहा। हाँ, तो ये एक वाइल्ड वैरायटी ऑफ कॉर्न बोलते हैं। इसको ट्राइबल लोग आदिवासी लोग इसको तो रोटी बना के भी खाते हैं, इतना न्यूट्रिशियस होता है ये बिल्कुल कॉर्न की तरह ही होता है। तो ये एक होस्ट है ये तितली का, तो ये डिस्कवर किया गया था, तो ये हमारा नाम इसमें दर्ज हुआ है। एक मिनट। हाँ, सो ये वो वेबसाइट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सारा इस तरह रिकॉर्डिंग होता है। और मैं जितने भी लोग बटरफ्लाइंग करना चाहते हैं, अपने घर में रेयरिंग करना चाहते हैं, आप ये वेबसाइट को जरूर नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी तितली दिखाई देती है या आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो
तो आपको ये वेबसाइट से सारी उसकी जानकारी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि उसके फोटोज हो गए, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, फिर उसके होस्ट प्लांट्स क्या है, तो आपको सारी जानकारी इस वेबसाइट से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बाद में इस होस्ट प्लांट को कौन कौन खोजा है, उसके सारे नाम दिए जाते हैं कि ये शख्सियत ने इस बटरफ्लाई के होस्ट को खोजा है, तो इसमें सारा डेटा रिकॉर्डेड होता है। तो मुझे लगता है ये लास्ट 2019 में इस पौधे को हमने खोजा था और वो दर्ज हुआ है वहां। तो होस्ट प्लांट की आपकी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्टर प्लांट। चलो अब कैटरपिलर स्टेज पे तो उसका खाना हम पूरा कर दिए हैं, और अब आगे जो पूरी व्यस्त तितली है उसका खाना कहाँ से मिलेगा, उसके लिए उसको आकर्षित करने के लिए हमें कौन से फूल लगाने पड़ेंगे या उगाने पड़ेंगे, हम देखते हैं। तो ये कुछ होस्ट नेक्टर प्लांट है जो आप लगा सकते हैं, इससे व्यस्त जो अडल्ट बटरफ्लाई है, तितली है, वो आपके यहाँ आकर्षित होगी। तो इसमें सबसे पहला पौधा है, आप देखिए, सदाबहार का पौधा है। तो जैसे मैंने कहा कि तितलियां बॉटनिस्ट होती है, वो बहुत अच्छे से जानती है इसकी क्या वैल्यू है, तो इसका परागण उनको बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं इसका फूल ऐसे होता है और इसके बीच में ये छेद होता है, तो तितली अपनी प्रोबोसिस डाल के वो उसका रस लेती है, तो उनको बहुत आसानी हो जाती है, तो ये बहुत पसंद करती है ये फूल। और दूसरा इसको एक्जोरा बोलते हैं और हिंदी में इसको रुक्मणी बोलते हैं। तो इसकी ये खासियत क्या है, ये फूल बहुत पसंद करती है तितलियां, कि आप इसके देखिए इसके फूल बहुत पास पास में है, यानी तितली को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे एक फूल से परागण खत्म हुआ, वैसे ही वो दूसरे फूल पर उसको उड़ के जाने की जरूरत नहीं, पास ही में है, जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट किया, दूसरे फूल से उसने पराग लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह के फूल जो गुच्छे में होते हैं तितलियां बहुत पसंद करती है, क्योंकि उनकी एफर्ट एनर्जी बच जाती है दूसरे फूल को खोजने में। तो उसी तरह आप तीसरा फूल आप देखते हैं, ये गेंदे का फूल है। आप जान ही रहे कि गेंदे का फूल एक अपने आप में ये एक फूल नहीं है, ये कई फूलों का गुलदस्ता है, एक फूल तो एक फूल में कई सारे फूल है। तो तितलियां इनको भी बहुत पसंद करती है, इनका पराग लेने भी बहुत खुशी से आती है। तो गेंदे की वैरायटी आप जरूर लगाइए, हर रंग का गेंदा, जो केसरी रंग का है, सारे वैरायटीज आप लगा सकते हैं, तो इसको जरूर लगाइए। फिर हो गया ये कॉस्मोस का पौधा है, आप इसको भी लगा सकते हैं, सनफ्लावर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनको ये बहुत पसंद है। जैसे मैंने कहा कि तितलियों को सन बहुत पसंद है, तो उसी के कुल का ये फूल है, तो उनको बहुत ये पसंद आता है, तो ये आप लगा सकते हैं। और ये आप बगल वाला ये फूल देख रहे हैं, बीच वाला, तो इसको ब्लू स्नेक वीड कहा जाता है, और ये कई रंगों में आता है, लाल रंग में भी आता है, तो ये भी बहुत ही प्रिय नेक्टर सोर्स है तितलियों के लिए। आप देख सकते हैं कि वो तितली, देखिए, उसमें प्रोबोसिस डाल के उसके रस ले रही है, तो ये भी बहुत ही, और ये मुझे लगता है, ये मुझे या, मैंने यहाँ खोजने की कोशिश की बट मुझे मिला नहीं, मैं खोज रही हूँ, अगर नहीं मिला तो फिर मैं मुंबई से मंगवाऊंगी इसको। तो ये आपको जनरली वाइल्ड में दिखाई देगा, कोई वाइल्ड पैच में ये दिख जाता है, और या वाइल्ड में नहीं है तो नर्सरी में आपको पूछ के देखना पड़ेगा कि ये मिल रहा है कि नहीं। और तीसरा पौधा है ये पेंटिस, इसको बोलते हैं, और ये भी बटरफ्लाई का अति बहुत ही प्रिय पौधा है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं पिछले स्लाइड में बताया कि गुच्छा वो पसंद करती है, यानी गुच्छा पसंद क्यों करती है कि चलो एक फूल में खत्म हो गया तो तुरंत ही दूसरे पे शिफ्ट कर गई, उसको उड़ के कहीं और दूसरे फूल पे जाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी बहुत ही पसंद करते हैं इसका पौधा, तो इसको आप जरूर लगाइए। इसको ये इसकी तो मैंने 4-5 वैरायटी लगाई थी, इसके भी बहुत सारे रंग आते हैं, एक गहरा लाल रंग आता है, डार्क पिंक आता है, वाइट आता है, और बहुत प्रिटी लगता है आपको। आप अगर कोई बटरफ्लाई गार्डन विजिट करते हैं तो आपको ये बटरफ्लाई गार्डन में ये बहुत सारा ये पौधे दिखाई देंगे।
और बहुत इजी टू मेंटेन है, आप आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं। और एक ये नेक्टर प्लांट है जिसको लैंटाना बोलते हैं, एक तरह से ये वाइल्ड वीड है। तो हम कभी भी सेटअप करने के लिए गार्डन सेटअप करते हैं तो हम इसको जमीन में नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये वीड है तो डोमिनेंट हो जाती है, इन्वेजिव हो जाती है। तो जब वीड कोई इन्वेजिव का मतलब ये होता है कि वो सारे न्यूट्रिएंट खुद ले लेती है और उसके आसपास के पौधों को इतना बढ़ने नहीं देती है। तो हम इसको ये, लेकिन ये बहुत जरूरी है, तितलियों को बहुत पसंद है ये, जैसे मैंने कहा ना ये गुच्छे में है। तो इसका हम, इसका उपाय क्या कर सकते हैं, आप इसको जमीन में लगा के बड़े बड़े गमले में लगाइए, तो यानी उसकी आप जो इन्वेजिवनेस है उसको कंट्रोल करिए। अगर आपके पास बहुत बड़ी स्पेस भी है, जमीन भी है, तो बाकी सब पौधे आप जमीन में लगा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आप, ये इन्वेजिव है और वाइल्ड वीड है बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है, तो इसको आप गमले में लगाइए, बड़े बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो बहुत ही बटरफ्लाइज आप, ये आते ही, ये जैसे मैग्नेट है, ये आते ही बटरफ्लाइज आना शुरू हो जाएंगे, इसमें इतना पराग होता है। और लास्ट वाला पौधा देखे तो ये उड़ल का फूल है। उड़ल की भी आप जान ही रहे कि बहुत सारी वेराइटीज हैं, तो आप एन नंबर ऑफ वेराइटीज लगा सकते हैं, बट लाल रंग का उड़ल ज्यादा अट्रैक्ट करता है पक्षियों को भी, इसमें छोटे छोटे पक्षी आते हैं, सनबर्ड आते हैं तो नेटरिंग के लिए, और तितलियां भी पसंद करती हैं, तो वो लोग ज्यादा, देखिए लाल रंग दूर से ही आपको दिखता है, जैसे सिग्नल पे कैसे लाल रंग है तो लाल बत्ती है तो रुक जाता है इंसान, तो लाल रंग की जो वेव्स है वो दूर से भी दिखाई देती, कैच कर लेता है, तो इसलिए लाल रंग को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो हो सके कोशिश, बाकी सारे तो लगाइए नो प्रॉब्लम, बट लाल रंग का भी जरूर लगाइए उड़ल। तो आई होप लोगों को थोड़ी सी इसमें आइडिया मिली कि नेक्टर प्लांट्स क्या होते हैं और कौन से लगाने चाहिए। ये कुछ कॉमन मैंने बताए हैं, और भी इसकी सूची है, मैं वो शेयर करूंगी आपके साथ। तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा, ये मैं जहां मैंने शुरुआत की है उसी का वीडियो है, और आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी मेरी 2x4 की बालकनी है, ये उसका वीडियो है। और ये सबसे पहले मैंने उड़ल का पौधा लगाया, देखिए ये सुबह 7 बजे का वीडियो, मुझे लगता है 6 बजे का वीडियो मैंने शूट किया था। ये सारे कॉस्मोस के पौधे हैं, ये देखिए वो सारा पेंटस लगा हुआ है, सारा पेंटस से उनको, पेंटस से बहुत प्यार है। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, आप देख रहे हैं आगमन का पौधा है, और ये जो ये डंडी दिखाई दे रही है वो गोल्डन चंपा है, और ये देखिए ये एक करेला भी लगाया था, लत्ती लगी हुई करेला, एक छोटा सा करेला भी आया हुआ है उसमें। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही सुबह होती है, मेरी सुबह मेरे पौधों के साथ होती है, मैं सबसे पहले उठ के मैं इनसे मिलने जाती हूँ, तो और मैं, मुझे उत्सुकता भी होती कि चलो इसमें कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं सुबह सुबह क्या एक्टिविटी हो रही है, और सब वातावरण पूरा शांत होता है, सब सो रहे हैं, तो मेरा एक क्वालिटी टाइम होता है, मैं उनके साथ बिताती हूँ। ये देखिए आगमन का पौधा है और ये गोल्डन चंपा का पौधा है, आप ये बॉटल में देख रहे हैं, ये कृष्ण कमल की लती लगाई हुई है कटिंग कर करके। तो मैं क्या करती थी कि पौधों से और पौधे बना के लोगों को गिफ्ट करती थी। ये देखिए सारी कृष्ण कमल की लतियां हैं, और ये पत्थरचट्टा का पौधा है, ये कृष्ण कमल की लतियां हैं, सारा कृष्ण कमल है, और आप पीछे देख सकते हैं तो वो छुई मुई का पेड़ है, और पीछे कड़ी पत्ता का भी पेड़ है, और ये नींबू का पेड़ है एक पीछे आप देखेंगे तो। ये देखिए छुई मुई में फूल लगा हुआ है, ये सारा छुई मुई का पेड़ है, और ये नींबू है, छुई मुई और नींबू थोड़ा मिक्स हो गया है, जगह नहीं थी मेरे पास इसलिए सारा थोड़ा सा मिक्स हो गया है, बट देखिए ये छुई मुई का पेड़ है, और ये उड़ल का पेड़। और सुबह सुबह एक मेरा बच्चा निकला हुआ था तो रेस्ट कर रहा था,
तो मैंने बोला बहुत अच्छा मौका है, तो आराम कर रहा था, अपने पंख सूखने का राह देख रहा था, तो मैंने बोला ये बहुत अच्छा मौका है इसको शूट करने का। तो जस्ट निकला था सुबह सुबह, और हम देख सकते हैं कि सारा दिन यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती थी। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी जगह है, कुछ मेरे पास खास जगह नहीं थी। और जैसे मैंने आपको मुंबई कहा, मुंबई के बारे में बताया, वहाँ बहुत ही रिस्ट्रिक्शन होते हैं, पानी नहीं गिरना चाहिए, हमारा बिल्डिंग डैमेज होता है, बिल्डिंग का रंग खराब हो जाता है, लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो सब करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, अब हम चलो आप देख लिए होस प्लांट, नेटर प्लांट, चलिए अब आप पौधे लगा लिए अपने गार्डन, आपका गार्डन सेटअप हो गया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि इसको रेयर कैसे किया जाए। तो आज अब मैं आपको कुछ मेरे एक बच्चे से मिलवाऊंगी भी और आपको दिखाऊंगी भी। देखिए आप बटरफ्लाई रेयरिंग के लिए, अगर आपके पास ये बटरफ्लाई आना शुरू हो गए, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको उसके अंडों पे ध्यान देना होगा, कि आपने होस्ट प्लांट लगा दिया तो आपको चेक करना होगा कि हाँ चलिए मेरे गार्डन में ये तितली आ रही है, तो आप पे आपको उसको थोड़ा सा फोकस रखना होगा कि वो कब आती है, कब जाती है, उसकी एक्टिविटी क्या है, कब अंडे दे रही है, तो वो अंडे देने के मूड में है, अब आ रही है, तो आपको सारा उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप रेयरिंग के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, उसको रखेंगे किस में बच्चे को, तो ये आप देखिए, देख सकते हैं कि ये ग्लास का एक बाउल है, उसमें आप ये सारी तितलियां निकली हुई हैं, तो ये आप देख पा रहे हो कैमरा में, ये फिश टैंक के लिए जनरली यूज होता है, देख पा रहे हैं कि नहीं। और इसमें देखिए, इसमें मैंने लास्ट टाइम यही तितली बेरिंग की थी, तो उसका मैंने निकाला नहीं, सूखा पत्ता। तो आप ये ग्लास बाउल ले सकते हैं, दूसरा आप क्या ले सकते हैं, आप एक प्लास्टिक का डिब्बा ले सकते हैं, प्लास्टिक का डिब्बा ले सकते हैं, और वो थोड़ा बड़ी साइज का आप लीजिए। तो ये एक छोटा डिब्बा है, ये मेरा ट्रैवलिंग डिब्बा है, मतलब मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ। अभी मुझे कुछ दिन पहले मुझे बिहार जाना पड़ा था ससुराल मेरे, तो मैं अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकती, तो मैं अपने बच्चों को जहाँ जाती हूँ साथ ले जाती हूँ। तो उनको ले जाने के लिए फिर मैं क्या करती हूँ, ये एक बॉक्स है छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा बॉक्स नहीं रखती हूँ क्योंकि ले जाने में दिक्कत होती है, एक छोटा से बॉक्स में ले जाती हूँ। अदरवाइज आप घर में ही उसको रख रहे हैं तो उसको बड़ा बॉक्स में रखिए, यानी उनको सहूलियत होती है घूमने में और उनको थोड़ा स्पेस अच्छा लगता है, महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं ये तितलियों के कोष अभी भी उसी के अंदर रह गए हैं। और इम्पोर्टेंट बात, आप ये बॉक्स रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारे छेद मैंने किए हुए हैं, तो आप कोई भी बॉक्स बनाए तो उनको ऑक्सीजन की सुविधा जरूर कीजिए, नहीं तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उनको थोड़ी घुटन महसूस हो सकती है। अदरवाइज आप इसके ऊपर मच्छरदानी या कोई नेट या कपड़ा लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं यो प्लेट रखी है, अदरवाइज आप मच्छरदानी या कोई कपड़ा लगा सकते हैं। तो अब एक खास शख्सियत से मैं मिलवाना चाहती हूँ, आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा बच्चा, आज ही सुबह मैंने कहा कि आज सेशन है तो आप सबको ये मिलवाने लाई हूँ। देख सकते हैं कि ये कड़ी पत्ता पे ये आराम कर रहा है, और ये जैसे मैंने कल कहा कि ये कैमोफ्लाज होता है, ये बर्ड ड्रॉपिंग के जैसे अपने आप को, अभी ये वो इंस्टार पे है, बाद में धीरे धीरे वो अपना रंग चेंज करेगा जैसे जैसे बड़ा होगा, खाएगा पिएगा, तो आप ये चीज को आप इसमें आप रख सकते हैं इस तरह, तो वो आसानी से वो उसमें रह जाएगा, तो इसमें उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और रोज आपको इसको क्लीन करना है क्योंकि ये पॉटी करते हैं, और इसकी छोटी छोटी पॉटी होती है काले रंग की, जैसे आपको मैंने कल दिखाया था, तो आप इसको रोज निकालिए, उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, और जैसे हम बच्चों को सफाई करते हैं, पोटी करता है तो सफाई करते हैं, उसी तरह इनको भी आप सफाई कीजिए, और नए पत्ते फ्रेश पत्ते डालिए, तो जितने आप फ्रेश पत्ते उनको खिलाएंगे वो उतने ही अच्छे से बढ़ेंगे। और आप उसका बहुत ही, ये सारा काम मैं कहूंगी कि आप बच्चों से करवाइए। ये देख सकते हैं आप, ये बॉक्स में मैंने मुंबई में, आप देख सकते हैं कितने सारे कोष है,
ये सारे प्यूपा है और सारे प्यूपा रेडी हो गए, ये प्यूपा स्टेज पे है। अब इसमें से तितलियां निकलने वाली है बस, तो आप इस तरह का बॉक्स यूज कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये और एक बॉक्स मैंने यूज किया है, बट मेक श्योर कि उसमें छेद जरूर कीजिएगा, यानी उनको एरेशन मिलना बहुत जरूरी है। और आप इस तरह उसको पत्ते दे सकते हैं, आप रोज उसको ताजे पत्ते दीजिए खाने के लिए, जितना वो खाएगा उतनी स्वस्थ आपकी तितली बनेगी। और ये आप देख सकते हैं सारी पॉटी है, तो आप बाद में उसको रोज क्लीन कीजिए, तो उनको भी सफाई सबको पसंद है और उससे उसकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। अदरवाइज अगर वो पॉटी वहीं रह जाती है या मॉइस्चर है तो फंगस लगने का डर होता है, तो उनकी हेल्थ को भी वो नुकसान कर सकता है, इसलिए क्लीनिंग इज इम्पोर्टेंट। आप देख रहे हैं बच्चे आराम कर रहे हैं एकदम, ये ढक्कन, इस तरह के ढक्कन पे ये लेटे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं ढक्कन पे कोच भी है जिसमें से तितली निकली हुई है। ये देखिए सारा प्यूपा बन गया है, अब आराम हो रहा है। आप कोई खाना पीना नहीं, आप बस आराम है, कुछ दिन का वेट करना है, बाद में उसमें से सुंदर तितली निकल जाएगी। मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ जो जिसमें बॉक्स था, आप देख सकते, आप देखिए इसमें क्या एक्टिविटी हो रही, क्या कमाल हो रहा है। देखिए मैंने जैसे कहा कि एक साथ कितनी तितलियां निकली, मुझे लगता है 6 से 7 तितलियां एक साथ प्यूपा में से निकली है। देखिए सारे मेरे बच्चे बाहर निकले हैं, पहली उड़ान के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इनको जब भी मैं छोड़ती हूँ तो मैंने जैसे कहा ये मेरे शांति दूत है, जैसे लेह लद्दाख भूटान में कैसे वो फ्लैग लगाते हैं शांति के लिए, फ्लैग्स लगाते हैं, प्रेयर वाले फ्लैग लगाते हैं, मतलब उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ भी जाए हवा के साथ वो प्रेयर्स फैले, पॉजिटिविटी फैले, तो ये मेरे शांति दूत है। तो मैं उनको उस फीलिंग से छोड़ती हूँ कि आप जहाँ भी जाए शांति फैलाए, प्यार फैलाए, सुख समृद्धि फैलाए, तो ये मेरे शांति दूत है। तो जब भी मैं छोड़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा बच्चा जाके एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाएगा जहां जाएगा वहां। और ये देखिए इस तरह से भी आप डिब्बे में ऊपर से, मैंने जैसे कहा मच्छरदानी आप लगा सकते हैं, नेट लगा सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है और उनको ये कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं इसमें। और ये देखिए आप ये कड़ी पत्ता, ये बुके के लिए जो आता है जिसमें आप इसको कड़ी पत्ता के स्ट्रिंग्स को ऐसे आप लगा भी सकते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि हम पेड़ ही पे हैं अभी तक, तो उनके लिए खाना आसान हो जाता है। तो अब आपने बटरफ्लाई रेयरिंग तो देख ली, अब आपको पौधे लग गए, आपके यहाँ तितली आने लग गई, और क्या आप अपने गार्डन में कर सकते हैं? तो आप जैसे पक्षियों को आप खाना देते हैं, फीडर रखते हैं, उस तरह आपको तितलियों का भी आप फीडर रख सकते हैं। तो फीडर किस तरह आप रख पाएंगे? जैसे मैंने कहा कि तितलियों को फल बहुत पसंद है, उनका रस आप वो लेती हैं, तो आपके घर में जो भी फल गले हुए फल है जो आप फेंक देते हैं, तो उसको आप एक प्लेट में काट के, जहां धूप है, जहां आपको लगता है कि बटरफ्लाईज आ रहे हैं, आप उसको वहां रख देंगे, तो आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ ही देर में आपको अगर आसपास बटरफ्लाई है तो आपको ये दिखाई नहीं कि वो, आप देख रहे हैं ये पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल से वो अपना वो सारा उसका जूस ले रही है, तो आप ये रख सकते हैं। तो ये एक तरह का फीडर हो गया बटरफ्लाई का। ये एक वीडियो है और ये मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है जिसका नाम वर्षा जी है, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ये वीडियो के लिए। ये उनकी बालकनी में आया है, जैसे मैं अपने इनको बच्चा समझती हूँ, वो भी बहुत प्यार करती है इन तितलियों से। तो आप देख सकते हैं कि ये ओक लीफ बटरफ्लाई है, बट हमारा राष्ट्रीय तितली ऑरेंज ओक लीफ है, तो ये उसी के कुल का है, ये ब्लू ओक लीफ है। और आपने जैसे देखा कि इसकी पंख कटे हुए हैं, तो इसका इसको किसी पक्षी ने खाया हुआ, तो किसी प्रेडिटर ने इसको खाने की कोशिश की है बट वो बच गया है। तो उनके पंख अगर कट भी जाते हैं, फट भी जाते हैं कुछ हद तक,
फिर भी वो आसानी से वो उड़ पाते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, तो उनकी जान इसमें बच जाती है। तो ये विंग्स का भी एक अपने आप में एक फायदा है इतनी बड़े विंग्स होने का। तो आप देख सकते हैं कि ये गले हुए फलों पर केला रखा हुआ है, कुछ और फल रखे हुए, पाइनएप्पल रखा हुआ है, तो उसका वो जूस ले रहा है। और वर्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनके हस्बैंड को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर वीडियो बनाने के लिए और शेयरिंग के लिए मुझे देने के लिए। तो आप ये फीडर के तौर पे इसको जरूर रखिए अपने बटरफ्लाई गार्डन में, कुछ फल आप वेस्ट करने से बजाय आप इसको अपने यहाँ जरूर रखिए। तो अब हम देखते हैं कि पूरे इंटरनेशनल, मैंने आपको तो बता दिया कि बटरफ्लाई गार्डन का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल तो है ही, बट हमारे भारत में भी बटरफ्लाई के बहुत सारे पार्क हैं जो अगर आपको मौका मिलता है तो आप जरूर देखिए इसको। तो कुछ लिस्टिंग मैंने दी हुई है कि आप वहां जरूर देखिए। तो सबसे पहला जो पार्क है, जो एक रिसर्च सेंटर है, जो भीमताल में है, उत्तराखंड में है। वैसे भी उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, तो वहाँ बहुत सारे जो बटरफ्लाईज पे रिसर्च कर रहे हैं वो उनका हॉटस्पॉट है, आपको वहाँ दिखाई देंगे। और भीमताल में पीटर जी ने, पीटर सर है, उन्होंने ये सारा काम शुरू किया है और मैं इनको अपना गुरु मानती हूँ बटरफ्लाइंग में, इनको फॉलो करती हूँ। इन्होंने अपना सारा जीवन इन तिथियों के लिए समर्पित कर दिया है। तो ये मुझे लगता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ ये रिसर्च चल रहा है और ये बहुत ही डीपर लेवल पे रिसर्च करते हैं। इनकी रिसर्च से ये तब भी पता चला है कि ये तरह की तितली दिखाई देती है तो इस साल का रेनफॉल कितना हुआ। इनकी रिसर्च इतनी डीप है, इन्होंने सारा जीवन इसी में समर्पित कर दिया है। तो मैं अपना गुरु मानती हूँ। तो अगर आपको मौका मिले तो ये इनके पास हजारों स्पीशीज का स्पेसिमेन है, एक म्यूजियम की तरह बनाया है। तो अगर मौका मिले तो भीमताल में इस रिसर्च सेंटर को जरूर विजिट कीजिएगा। ये भी मेरे लिस्ट में है, मैं जरूर इसको विजिट करना चाहूंगी। और हाल ही में आप देख सकते हैं कि गुजरात में मोदी जी की जन्मदिन पे मोदी जी ने नर्मदा के तट पर इसको एक केवड़िया नाम की जगह पर एक बहुत सुंदर सा तितलियों का पार्क बना है। और आप देख रहे हैं कि उनके जन्मदिन पे इसका उद्घाटन हुआ था और वो ढेर सारी तितलियां छोड़ रहे हैं। तो इसको भी मौका मिले तो जरूर इसको विजिट कीजिए। ये 10 एकड़ में ये पार्क बना हुआ है और काफी सुंदर है। उसी तरह और एक पार्क बना हुआ है जो बैंगलोर में है, और बैंगलोर बायोलॉजिकल पार्क है ये, और ये इंडिया का सबसे पहला पार्क ये था और 2003 से ये बन रहा था और 2008 में ये इसकी पूरा कंप्लीटली खोल दिया था लोगों के लिए। तो अगर बैंगलोर में अगर कोई है तो इसको जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप ये पार्क विजिट करते हैं तो आपको ये एक अंदाजा आता है कि ये क्या एक्चुअली क्या उसका वातावरण होता है, वहां की ऊर्जा ही अलग होती है। तो इसी तरह एक चंडीगढ़ में भी आपके आसपास एक पार्क है तो आप उसको जरूर विजिट कीजिएगा, चंडीगढ़ बटरफ्लाई पार्क। तो ये भी बहुत ही सुंदर है। अगर आप इस चीज को विजिट करते हैं तो आपको बहुत ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, आप चीज को अच्छी तरह समझ पाते हैं। उसी तरह एक पार्क है महाराष्ट्र में जिसको ओवलेकर वाड़ी बोलते हैं, तो ये मैंने खुद ये विजिट किया हुआ है। ये गार्डन 2 एकड़ के करीब एरिया में ये बना हुआ है और बहुत ही सुंदर बनाया है और बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है तितलियों की। और बहुत खास बात ये है कि मुंबई के थोड़ा सा ही बाहर थाने एरिया में है और इतना ग्रीन जोन होगा, मैं सोच के खुद हैरानी हो गई कि इतने बहुत ही ट्रैफिक और कंक्रीट जंगल के बीच में भी ग्रीन जोन मिल गया मुझे। तो अगर मुंबई या महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे इसको जरूर देखिएगा। और एक बटरफ्लाई कंजर्वेटरी ऑफ गोवा है, तो गोवा में भी अगर आप कहीं विजिट करते हैं तो इसको आप गोवा में आप जरूर इसको देख सकते हैं।
ये पार्क भी बहुत सुंदर पार्क है। और एक इम्पोर्टेंट पार्क है जो सिक्किम में पाया जाता। तो सिक्किम में बटरफ्लाईज की प्रजातियां ज्यादा पाई जाती है और सारे जो रिसर्चर्स हैं वो पसंद करते हैं सिक्किम जाना। तो वहां बहुत ही डीपर लेवल पे एक्सपर्ट्स भी स्टडी करते आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी प्रजातियां आपको मिलेंगी। तो सिक्किम जाने का मौका मिले तो इसको जरूर विजिट कीजिएगा। और हमारे दिल्ली में भी एक बटरफ्लाई पार्क है। अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो जरूर इसको विजिट कीजिएगा। और एक ये सम्मिलन शेट्टी का एक मैंगलोर में ये एक मिलवई में एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाया गया है और बहुत ही बड़े एरिया में बनाया गया। कई एकड़ों में ये फार्म बनाया गया है बटरफ्लाई। और इन्होंने भी अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया है तितलियों के लिए। तो ये मौका मिले तो आप जरूर इसको विजिट कीजिएगा। अब बात होती है कि किताबों की, अगर कोई तितलियां घरेलू करना चाहता है तो थोड़ी मदद चाहिए किताबों की, तो मैं बोलूंगी कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखिए। आप पहली किताब, आप मैंने जैसे कहा कि ये मेरे गुरु, मैं इनको मानती हूँ, पीटर जी की किताब है और इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि तितली आपके पास अगर बुक होगी तो आप पहचान कर पाएंगे कि हाँ ये मेरी तितली मुझे दिखी, तो आप उसको लिख पाएंगे, पहचान कर पाएंगे कि वो कहाँ पाई जाती है, उसका खाना क्या है। तो और ये तो मैं मुंबई से हूँ इसलिए मैंने इसमें मुंबई की किताब डाली है। तो मैं चाहूंगी कि आप जिस स्टेट में रहे उस स्टेट की आपको किताब मिल जाएगी। अगर आप किताब में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ढेर सारी ई बुक्स भी अवेलेबल है। मैं वो आपके साथ लिंक शेयर करूंगी। पीडीएफ फॉर्म में भी बहुत सारे ई बुक्स अवेलेबल है। तो कल मैंने खोज के निकाला बटरफ्लाईज ऑफ पंजाब की एक ई बुक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे ही गोवा की एक बुक है। तो हर एक स्टेट की अपनी एक, मैंने जैसे कहा, प्रजाति होती है। तो उस हिसाब से आप अपने घर में जरूर बुक रखिएगा बटरफ्लाईज की। ये आपके बच्चों को भी प्रेरणा देगी इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और मैं बच्चों से रिलेटेड एक बात कहना चाहूंगी कि इसको हम चाहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, ये आईटी प्रोफेशनल बने। अब नया एक निकला हुआ है बटरफ्लाइंग और नेचुरलिस्ट भी आपको एक नाम भी देता है, पैसे भी देता है। ऐसे नहीं कि मेरा बच्चा नाम और फेमस नहीं होगा या उसको पैसे कम मिलेंगे। इस एरिया में भी इतनी क्षमता है, बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने बच्चों को नेचर के साथ जरूर जोड़िए। मैं कहूंगी कोडिंग छोड़ के उनको नेचुरल स्किल्स सिखाइए। तो अपने आप में वो एक सर्वाइवल स्किल्स है। तो बच्चों को जरूर इस करियर की तरफ इंट्रोड्यूस कीजिए। फिर आप बच्चे पे छोड़ दीजिए उसको किसमें इंटरेस्ट है, बट उसको ये मौका जरूर दीजिए एक्सप्लोर करने का। और आपको अगर कोई डिजाइन करवाना है गार्डन तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं तो जरूर, मैं मुझे खुशी होगी वो डिजाइन करने के लिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं पंजाब के लिए एक बड़ा सा पार्क बनाऊंगी। तो होप आपको कोई और कोई सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, और कुछ हाँ कुछ है दारा जी, इसको बंद कर लीजिए आप जरा। हाँ और मैं पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उमेंद्र जी का, बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और पूरी खेती विरासत मिशन टीम का धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो इतने एफर्टलेसली ये चीजों को कंडक्ट करते हैं। और इनके पीछे जो भावना है बहुत अच्छी है कि लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचे और अवेयरनेस पहुंचे, और चाहते हैं लोग स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और पॉजिटिव रहे। तो मुझे ये स्टेज देने के लिए, ये मंच देने के लिए जिसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत आई हुई हैं, जैसे डॉक्टर कादर वली जी आए हैं, विश्वरूप जी आए हैं, तो ये सारी शख्सियत लोगों को बहुत प्रभावित करती है। तो मुझे ये स्टेज शेयर करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और सारी मैं ऑडियंस का भी धन्यवाद करूंगी कि 3 दिन लगातार बने रहे हमारे साथ। और मैं दिल से धन्यवाद करूंगी ये सारे मिशन का। थैंक यू। जी धन्यवाद। खादर वली जी आए थे, ड्रॉप हुए हैं। डॉक्टर अमर सिंह आजाद है हमारे बीच में, उसी टीम के बहुत बड़े व्यक्ति हैं। डॉक्टर ए एस मान साहब हैं, और भी कई लोग हैं। अच्छा धारा जी, कुछ लोगों ने सवाल किए हैं। अच्छा ये बिल्कुल बताइए,
ये जो पंजाब वाला जो आप कह रहे हैं, ये पंजाब हरियाणा जो उत्तर भारत वाला है, तो हमारे यहाँ तो बहुत पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे यहाँ तो इनके जातियां प्रजातियां वैसे कम हो गई होंगी। तो वही मैं बोली कि आपको अगर वहां कोई एक्सपर्ट है अलावा वरना उसको एक बार सर्वे करना पड़ेगा, रेकी जिसको रेकी बोलते हैं, आपको जांचना पड़ेगा कि वहां कौन सी स्पीशीज अभी अभी अवेलेबल है, सर्वाइव कर रही है, और पेस्टिसाइड्स है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो असर तो देखिए डेफिनेटली पंजाब का 86% एरिया अंडर एग्रीकल्चर है, राइट और सबसे राइट ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, तो जो वाइल्ड चीजें रहने वाली थी पंजाब में कुछ पॉकेट्स होंगी, पर नॉर्मली गांव में तितलियां नहीं दिखती, और जैसे जिसको आप कहते हैं फायर फ्लाई, जुगनू, तो राइट वो राइट भी नहीं दिखते पंजाब में, पेस्टिसाइड का ये असर आया है। तो आपका राइट ये सेशन मुझे लगता है बार बार लोगों को दिखाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, और शायद एक बिल्कुल बार ना स्ट्रक्चर्ड वर्कशॉप अलग से भी करनी पड़ेगी। अभी ये दो सवाल लेते हैं, गरिमा गोयल जी से पूछते हैं। गरिमा जी क्या कहना है? मुझे धारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना है, और आज थैंक धारा जी खुद एक स्वयं एक बटरफ्लाई से कम नहीं लग रही है आज, क्यों वो हरी यू दिन खुद एक बटरफ्लाई लग रही थी मुझको, और बहुत थैंक आनंद आया मुझको उनका वर्कशॉप करके यू सच थैंक यू में मैम आज आप बिल्कुल बटरफ्लाई लग रही है, आप थैंक यू नहीं, सो वो 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ ये। हाँ, वो जो मच कह रही है मेरे बच्चे मेरे बच्चे, तो मैं भी हैरान हूँ हाँ कभी अच्छा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल चलिए थैंक सुजाता जी यू। क्या हाँ कहना है? सुजाता जी अनम्यूट कीजिए। लता जी का अनम्यूट नहीं हो रहा। एक मिनट। हाँ नमस्कार सर। धरे जी अच्छा मेरा प्रश्न यह है कि जब हम प्लांट को वाटरिंग करते हैं तो उसमें तितली अपना लेग्स नहीं दे सकती, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें वाटरिंग का कैसे ध्यान रखना होगा? और दूसरे मेरे को ये पता करना है कि जो तितलियां आती है वो कब आती है, जैसे कड़ी पत्ता है मेरा, मुझे उसमें कोई तितली नहीं दिख रही, और मैंने आपके उसमें देखा कि उसमें बीज बना हुआ है, तो जब बीज बनते हैं उस समय तितलियां आनी शुरू होती है, प्लीज बताएं मैम। थैंक यू। कड़ी पत्ता जरूरी, मैंने कहा ना उसको फल और बीज से इतना लेना देना नहीं होता, उसको पत्ते पसंद है। आप ये वाला मेरा बच्चा देख रहे हैं तो आप देख रही हो उसको पत्ते से ज्यादा लगाव है, तो वो अगर जी मैम, आपका कड़ी पत्ता स्वस्थ पत्ते हैं उसमें तो अपने आप तितलियां आने लगेंगी, और तितलियां स्पेशली टेंडर लीव्स खोजती हैं, क्योंकि क्योंकि कैटरपिलर जब छोटे होते हैं तो उनको हार्ड लीव्स खाने में दिक्कत होती है, जब आपके पौधों में बहुत ही नाजुक नाजुक पत्ते निकलना शुरू होते हैं, नींबू के भी आप गौर कीजिएगा, जब एकदम छोटे छोटे पत्ते आना शुरू होते हैं तो समझ जाइएगा कि ये इनविटेशन है तितलियों के लिए, तो वो संभावना बढ़ जाती है उसपे अंडे देने की। और आप तो मैम वॉटरिंग उस से समय, संबंध हाँ वाटरिंग का बताइए कि जब हम वॉटरिंग वाटर में करते हैं तो कहते हैं वो आते नहीं है ना सर, उस समय कहते हैं अपने अंडे नहीं देते, क्योंकि आपने खुद ही बताया था कि उनको अपने अनुकूल वातावरण नहीं मिलता उस समय। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मैंने जैसे कहा कि वो अंडे ले करती, वाटरिंग आप कितनी देर करेंगे, 5 से 10 मिनट वाटरिंग होती है, उसके बाद तो वाटरिंग होती नहीं है, तो उनको वाटरिंग से कोई इश्यू नहीं है, जैसे आप बारिश के सीजन में भी वो अंडे देती है तो उनको वो वाटर प्रूफ होते हैं उनके अंडे, उनको पानी से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उसमें कोई संकोच ना रखिए, आप बेझिझक वाटरिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपका पौधा स्वस्थ होना चाहिए। और आप एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपके यहाँ ये कैटरपिलर आ गए और वो पत्ते खाना शुरू कर दिए, आप ये मत सोचिएगा कि मेरा पूरा पौधा बीमार कर देगा, तितलियां जब पत्ते खाती है तो वो पौधा स्वस्थ होता है, कभी बीमार नहीं पड़ता, सिर्फ उसके पत्ते खाते हैं बस वो, और वो पत्ते तो आप जान रहे वापस उग जाएंगे, तो उसको उनको जी भर के खाने दीजिए, जितना वो खाएगा उतनी स्वस्थ उसमें से निकलेगी। अच्छा मैम, आपने जैसे अभी दिखाया कि आपने बॉक्स में वो पत्ते रखे हैं, तो आपने वो उनको कैसे करा, मतलब कि मुझे वो समझ नहीं आया वो कब करना होता है। अच्छा, देखिए जैसे मैंने ये आप ये देख रहे हैं अभी मैंने इसको इसमें रख दिया है, तो आप ये दिन भर ये मतलब कि खाएगा, उसमें,
इसमें अंडे दे रखे हैं? नहीं, वो कैटरपिलर डाला, अंडे नहीं डालने। अच्छा अंडर ओके, अंडे कैटरपिलर जब स्टेज होगा। पे। हाँ लता जी, इसका अंडा इतना बारीक होगा आपको दिखेगा नहीं, आपको क्या कर रहे हो? यस 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 और कैटरपिलर तो दिख जाते हैं ना मैम, कैटरपिलर तो दिखता है ना मैम, तो हाँ, कैटरपिलर, हाँ आपको कैटरपिलर ही रखना है, अंडे के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि वो बहुत नाजुक स्टेज पे है, हम उसको हमें हाँ छेड़छाड़ नहीं करना है। जब वो बड़े हो जाते हैं थोड़े से, आपको कैटरपिलर दिखने लग जाए कि हाँ चलो अब इसको हम हैंडल कर सकते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो अब उसको संभाला जा सकता है, अब आप उसको जी निकाल के उसको आप कंटेनर में रखिए, बॉक्स में रखिए, ऐसे इसमें रखिए, बट उसमें हवा की प्रोबेबिलिटी जरूर रखिए और उसको ढक के रखिएगा, वरना ये जी चंचल होते हैं, भाग जाते हैं। तो मच्छरदानी, हाँ, हाँ उसको कवर करके रखिएगा। तो एक बार मैं रेयरिंग कर रही थी, मुझे अंदाजा नहीं था, और सुबह उठ के देखती हूँ तो गायब, और मैं सारा खोज रही हूँ, और कंप्यूटर और टेबल पे मैंने रखा था, मैं परेशान कि मेरा बच्चा गायब हो गया, कहीं दबा जाएगा, कोई पैर में दे देगा, कुछ उसको नुकसान हो जाएगा, हाँ बट फाइनली मुझे मिला, वो सीपीयू के पीछे जाके छिपके बैठा हुआ था। तो तब से हाँ मैं उनको खुला नहीं छोड़ती हूँ, उसको कवर करके इनको रखती हूँ, तो फिर वो नहीं जाते कहीं। क्या करते मैम, जब इनकी क्लीनिंग करते तो आप ये कैटरपिलर भी निकालते होंगे, फिर ही क्लीनिंग कर पाते होंगे आप? हाँ, आप उसको साइड में रख दीजिए और तब तक सारा क्लीन कर लीजिए, फिर वापस सेटअप कर लीजिए, नए पत्ते फ्रेश डाल दीजिए, और फिर उसको जैसे आप ऊपर करके रख दीजिए तो अपने मजे से खाते रहेगा वो। अच्छा, और जैसे आपने नींबू का बताया, तो नींबू का प्लांट जो है कितना बड़ा होना चाहिए कि इसमें वो हो जाए? अच्छा, मैं जैसे आप मैंने बताया ना, छोटे छोटे हैं, आपको पत्ते चाहिए, और छोटे पत्ते तो तितलियां ज्यादा पसंद करती है, जैसे हम कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं, ताजी सब्जियां टेंडर होनी हाँ चाहिए, वैसे तितलियां भी ताजी सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते वो ज्यादा पसंद करते हैं। आप नींबू, आप मैं जैसे कहा ना, आप रोज इस्तेमाल करते हैं, बीज फेंक के मत, बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ मिट्टी में डालिए, पौधे निकलते आएंगे, पौधे बाद में निकलते आएंगे, शिफ्ट करते जाइए, आप पूरा एक लगा दीजिए पूरा बैच नींबू का, तो हाँ आप उसको खाना फिर उपलब्ध, खाने की कमी नहीं होगी उसको। ठीक है, बस उनको पत्ते ही चाहिए। हाँ यस, क्योंकि डायबिटीज। मैम, बाकी लता जी औरों को भी मौका दीजिए, बाकी यूट्यूब पर देखिए सारी बातें, वो है बहुत विशेष हो तो करिए उसमें, ठीक है ना? एक बार प्रतिभा जी अनम्यूट कीजिए, प्रतिभा जी बोलिए। मैम मुझे एक बार होस्ट प्लांट और बता दो मैम, वो नहीं सुन पा रही। होस्ट प्लांट आपको है ना वो सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा, प्लस मैं एक ग्रुप बनेगा तो उसमें सारी सूची मैं डालूंगी, ठीक है? इसमें तो मैं समय के अभाव के वजह से मैं ज्यादा नहीं शेयर कर पाई, वरना एक बहुत लंबी सूची है, आपको मैं वो मिल जाएगी, आप उसका टेंशन ना लीजिए, आपका पहुंच जाएगी वो, अगर ग्रुप एक में आप बात जुड़ ख्याल जाएंगे रखिए, तो। मतलब होस्ट प्लांट और नेक्टर प्लांट दोनों लगाने पड़ेंगे, तब तितली आएगी। बिल्कुल नेक्टर प्लांट सही, पर एक बार तितली आएगी, वो देखेगी कि डॉक्टर अमर सिंह आजाद और डॉक्टर एएस मान के बगीचे में ये मेरे लिए भोजन वाला, जिसे मैं रस ले सकती हूँ, वो पौधा है, उसको ध्यान में आएगा। चाचा यहाँ मैं अंडे भी दे सकती हूँ, उसका भी है, तो फिर वो अंडा देगी वहां। तो ये बिल्कुल नेक्टर बिल्कुल प्लांट और होस्ट पर दोनों जब लगे होंगे, तब आपके गार्डन में ढेर सारी तितलियां आएंगी। अब वो बिल्कुल सारा सही कह मामला रहे है, हैं। उसको वो धीरे धीरे, ये जो है एक बात है कि ये हम लोगों को बहुत कुछ स्प्रे करवाते हैं बहन जी, लोग खट्टी लस्सी भी स्प्रे करते हैं, ये नीम ऑयल स्प्रे करते हैं, उसका क्या होगा नीम ऑयल के स्प्रे करने से? नीम ऑयल, देखिए नीम ऑयल के साथ और कुछ नहीं होना चाहिए, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं होना चाहिए, तो नीम मुझे ऑयल से लगता है ये उनको। ना पंजाब के लोगों के लिए दोबारा एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि हम तो कोई भी कैटरपिलर देखते थे मार ही देते थे, तो मुझे तो खुद अब गिलानी हो रही है। अभी मैं अपने सौरभ को कह रहा हूँ कि अपने घर में जो बाहर एक नींबू का पौधा लगा था गमले में बड़े, उस पर मुझे लगता है कि कुछ वो आए थे कैटरपिलर्स, तो वो अब मुझे लग रहा है वो तो तितली के थे, तो हमको तो पता ही नहीं था, तो हमसे भी पाप कोई नहीं, आप हो गया वो जान घर गए, पे। आप उसको संभाल के रखिएगा। नहीं, अब वो समझ में आ गया जी, वो थोड़ा सा जी नाजुक विषय है। यस, मुझे लगता है किसी और ने अगर बोलना हो, कहना हो कुछ, तो नहीं तो मैं डॉक्टर मान जी को रिक्वेस्ट करूंगा, बाद में आजाद साहब को कहूंगा। अच्छा, यूट्यूब पर ये जो सब्सक्राइब कीजिए, लगातार ये चलने वाला है कार्यक्रम, और कल संडे है, कल जो लोग लिखे, कल
कल वो जो हमारा वो कार्यक्रम है कल 4 बजे है, डॉक्टर डॉक्टर एन एन मेहरोत्रा, और ये आज है संडे, आज ही है, सॉरी आज आज संडे 4 बजे है वो, डॉक्टर एन एन मेहरोत्रा और मेघना शुक्ला, रसोई से स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें, इस विषय पे वो है। तुम एक बार जरा दिखा दो। मैं डॉक्टर एस मान जी को कहूंगा, वो कुछ टिप्पणी करे जरा, पूरे उन्होंने 3 दिन अटेंड किया है। मान साहब, धारा जी, मान साहब होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं, ऑर्गेनिक फार्मेसी बहुत बढ़िया। गुरुदेव अमेंद्र दत्त जी, ताड़ी दा बहुत बड़ी देनी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग, वातावरण प्रेमी आप हमें मिलाते रहते हैं। और मैम तारा तक ठक्कर ने 3 दिन में तितलियों के बारे में इतना अच्छा सेशन चलाया है, हम बहुत ऋणी हैं इनके, खुद भी एक तितली जैसे हैं हमारे मैम, हमेशा थैंक स्माइलिंग लाफिंग। और जो एक हमारे पास एक रिस्पेक्टेड हमें काम करने वाली तितलियां मुफ्त में मिल जाती हैं, जो हमारे प्रोडक्शन भी पॉलिनेशन से बढ़ाती हैं, और जो 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 क्वालिटी ऑफ फ्रूट भी बढ़ाती हैं, जो उनका साइज भी बढ़ाती हैं, सभी काम वो करती हैं जो एक नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में चाहिए हमें। और हमने तो मैम जो ऑर्गेनिक वे मॉडल सेंटर बनाया, उसमें 200 फ्रूट प्लांट है, सभी वाह तरह के, कम से कम 15 टाइप्स के वो होंगे, जहाँ तितलियां भी आती हैं, शहद की मक्खियां भी हैं। तो बहुत हम बढ़िया। और इसको बढ़ावा देंगे, और एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे गुरुदेव, उसमें भी काम करेंगे, और इसके छोटे छोटे पार्क बनाएंगे। हम पंजाब की तरफ से धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो उन्होंने अब होस्ट प्लांट और नेक्टर प्लांट की लिस्ट दी है ना, तो आप लिस्ट हाँ देख जी, लेना, जो प्लांट तो आपके पास ऑलरेडी है वो तो बढ़िया, और जो नहीं हो वो लगा लेना, तो फिर वो बटरफ्लाई पार्क भी बन ठीक है जाएगा सर, उसमें, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी देखो सर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये क्या कहते हैं, प्रीतम सिंह जौहल जी, अच्छा जौहल साहब तुम बाद लेना, आजाद साहब ने पहले रिक्वेस्ट करेगा, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, धारा जी, आजाद साहब एमबीबीएस एमडी, दो दो एमबीओ के डॉक्टर हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत बड़ा नाम है, जैसे आप खादर वली जी को जानते हैं, डॉक्टर विष्णुराय चौधरी को जानते हैं, ये सब एक ही टीम है, तो आपका कभी इनसे थैंक मतलब खाली संपर्क नहीं हुआ। आजाद यू साहब जी। ये नमस्कार जी सबको, धारा जी को पर्टिकुलरली हम थैंक्स देना चाहूंगा मैम, थैंक यू बहुत थैंक बढ़िया यू। सेशन था। क्योंकि ये नेचर का एक जो जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसमें तितलियां तो ब्यूटी मोस्ट ब्यूटीफुल है ही, लेकिन ये पूरी जो एक बड़ा परिवार है इंसेक्ट्स का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक है इकोलॉजी का, जिनको ये मॉडर्न एग्रीकल्चर ने बहुत, इनकी जो पॉपुलेशन कम की है, और जो जितना पूरी दुनिया में डाटा आ रहा है कि इंसेक्ट्स की गिनती लगातार ड्रास्टिकली कम होती जा रही है, लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग डेवलप किए हैं। एक ढंग मैं यहाँ रेफरेंस देना चाहूंगा कि अब जब आप कार पे निकलते हो तो आपकी कार पे कितने इंसेक्ट्स लगते हैं शीशे पे, उसकी गिनती कर लेते हैं लोग। तो वो एक मेथड है रिसर्च का, और लगातार वो ईयर बाय ईयर कम होते जा रहे हैं पूरी पूरे पूरी दुनिया में। ये एक बहुत ही जो जो इकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत इसको डेंजर सिग्नल मानते हैं। इंसेक्ट्स का कम होना पूरी की पूरी लाइफ को एक बहुत बड़ी थ्रेट है। और ये जो आज का सेशन था इस उसी विषय पे है, क्योंकि बटरफ्लाईज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स, तो इसको हम एक सुंदरता से, एस्थेटिक्स से और हैप्पीनेस से जोड़ के, जैसे सेशन आपने किया, आप तो ये वंडरफुल सेशन था। मुझे लगता है कि ऐसे सेशन हमको करते रहना चाहिए, ताकि लोग इस जो ब्यूटी वाला एस्पेक्ट है इंसेक्ट्स का, अगर उससे अट्रैक्ट होते हैं तो इनडायरेक्टली हम इकोलॉजी को बहुत बड़ी देन देंगे, क्योंकि इनको अगर बचाना है तो हमको पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में जो ये जो परसिस्टेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, जो जो पेस्टिसाइड्स हैं या और जो जो टॉक्सिन्स हैं जो एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं और फिर वो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कम करते हैं, उनका यूज अगर हम कम करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर अगर और बायोडाइवर्स टाइप ऑफ हम सराउंडिंग रखेंगे अपने आसपास, तो
तो ये तितलियां तो पहले बचपन में, जैसे मैं तो बचपन में मैंने जब देखा तो अब और तब में इतना जमीन आसमान का फर्क लगता है कि बहुत ही डर लगता है कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो ये जिनकी ये इतनी इतना सुंदर उनका पैशन है, तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया। महाराज जी जैसे लोग जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को और पूरी लाइफ को बचाने के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले दिन द्वारा जी बता रही थी कि बटरफ्लाइज ना कहीं कहीं किलोमीटर से पता लग जाता कि इधर पेस्टिसाइड है, वो उधर जाती नहीं है। और बिल्कुल पूरी जानकारी तीन दिन में दी, और मुझे लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूट्यूब पे तीनों दिन का पढ़ा हुआ है, हर रोज का एक सवा घंटे का है, जरूर देखना चाहिए और बच्चों को दिखाना चाहिए, बहुत ही वो है। तो इनका जो कमेंट था ना कि ये जो पत्ते खाते हैं वो कोई हमको नुकसान नहीं होता, ये इकोलॉजी का एक लॉ है कि इंसेक्ट्स जो भी खाएंगे कुदरत उनका हिस्सा उनको देती है, और ये दे एक्ट एज स्टिमुलेंट्स ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं इंसेक्ट्स, ये हमारे हमें कुछ नुकसान नहीं करते। तो इंसेक्ट को ऐसे 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 हमने इंसेक्ट्स की जो अननेचुरल ग्रोथ पर्टिकुलर क्रॉप्स में देखी है वो बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकली वीक प्लांट्स देखी है। अगर बायोलॉजिकली प्लांट्स बैलेंस्ड हैं, उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है और वो बायोलॉजिकली स्ट्रांग है, तो ये कभी भी प्लांट जो इंसेक्ट्स हैं ये जितना खाएंगे नेचर इनको आपको उनसे दुगना तिगना चौगुना दस गुना देगी। इसलिए इंसेक्ट को नेचुरल प्लांट नेचुरल क्रॉप्स पे, जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंसेक्ट्स कोई हार्म नहीं करेंगे, उल्टा दे विल बी हाईली बेनिफिशियल। जी जी हाँ जी, प्रीतम सिंह चौहान जी बोलिए। गुड मॉर्निंग जी, आपका धन्यवाद। पहले तो मैं थोड़ा सा सवाल ब्रीफ में बता देना, जब बटरफ्लाई होती है मित्र सहेलियां क्यों होती हैं, इसका क्या इंसान को फायदा होता है? दूसरा, जब मंगोलियन चंपा है वो कौन से आल में उसका फ्लावर रखना, भगो के रखना ताकि चलता रहे? तीसरी बात है, कनेर के प्लांट में कई कहते हैं हार्मफुल होता है, ये बताना। इलायची कैसे लगती है? धन्यवाद। वो बटरफ्लाई का क्या फायदे, वो पहले दिन उन्होंने डिटेल में बताया था, वो सबसे बड़ा पॉलिनेटर है और पॉलिनेशन करने में सबसे बड़ा काम करते हैं बटरफ्लाई का। दूसरा, बटरफ्लाई एक सुंदर जीव है भाई, हर चीज का असर होगा, उसका हमको बेनिफिट है तभी उसकी बात करनी है। अरे भगवान ने वगैरह इस तरह की बटरफ्लाई अगर पैदा की है तो उनको जीने का अधिकार है ना भाई, उनको कोई बेनिफिट हमको होगा तभी उसकी बात करेंगे, ऐसा नहीं होता सर। और दूसरी जो बात है कनेर वाली, वो बता दीजिए जरा। उनका सवाल क्या था, मैं क्लियरली समझ नहीं पाई। कनेर से मतलब ये कनेर का पौधा लगाना है, और एक और क्या था जॉर्ज सर का बीच में, कनेर का पौधा जहरीला होता कहते हैं ना, वही कह रहे थे। देखिए वो सारे मिल्क वीड के अंदर आते हैं, जैसे आकमन का पौधा भी जहरीला होता है, बट वो हमें नहीं खाना है ना, तितलियों के लिए वो फूड का काम करता है, उनके लिए वो उनका खाना है, तो इसमें हमें डरने की बात नहीं है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें जब इसको लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धारा जी बहुत धन्यवाद। परमजीत कौर जी बहुत अच्छा अच्छा कमेंट कर रही है, परमजीत जी आप बोलना चाहेंगे? परमजीत जी बोलेंगे? हेलो, चलिए कोई नहीं। तो धारा जी बहुत धन्यवाद, मैं दोबारा अनाउंस करता हूँ, एक ग्रुप बनाएंगे आप सभी के, किचन गार्डन और ऑर्गेनिक फार्म हाउस बटरफ्लाई पार्क कैसे बनाने हैं उसकी डिजाइनिंग की बात होगी, वो थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से मैनेज ग्रुप होगा। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो कृपया अपना व्हाट्सएप नंबर चैट पे या मेरे नंबर पे यूट्यूब वाले नीचे वो डाल दें, और हम इस पर फिर शुरू करेंगे ढंग से। मुझे मालूम है पंजाब में ये दिक्कत आएगी थोड़ी, क्योंकि मैंने जब ये देखा और मुझे एक दो लोगों ने फोन किए कि भाई वो बटरफ्लाई तो दिखनी बंद हो गई, रियरिंग कहाँ से करेंगे, इतना पेस्टिसाइड पंजाब में डाल दिया, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पंजाब के लिए ज्यादा जरूरी है ये कड़ियां जोड़ना। ये तो आज शाम को 4 बजे मिलेंगे, मैं इस ग्रुप में जितने लोग इस समय हैं, धारा जी आप भी शाम को आके सुनिएगा, आपको अच्छी चीज जानकारी
मिलेंगी, शाम को मिलेंगे 4 बजे इसी लिंक पे, यही लिंक काम करेगा जूम के लिए, फेसबुक के लिए और यूट्यूब के लिए। यूट्यूब चैनल खेती रत्न के सब्सक्राइब कीजिए, आइए पर्यावरण की सुरक्षा करें। और इसको बंद करो। और ये जो आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त का आप सभी को दोबारा से मैं ये कहूंगा कि उसकी आपके लिए जो है शुभकामनाएं 15 अगस्त की। धन्यवाद, नमस्कार।